कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शनिवार के दिन छायादान करने का ज़्यादा महत्व दिया गया है। शनि भगवान की आराधना करेंगे तो विद्या से भी उनको सफलता प्राप्त होगी। हम जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा करके 99 क्लब के मेंबर हैं। नाना जी की जो परंपरा है वो 100 साल से भी ज़्यादा उन लोग की। नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ हैं शास्त्री अनिल जोशी जी। वेलकम सर टू कमलेश बरारिया कन्वर्जेशंस। नमस्कार सर, आप मुझे यहाँ आमंत्रित किया इसलिए आपका खूब खूब हार्दिक अभिवादन। और स्टार्ट करें हम? जी हाँ। पहला क्वेश्चन हमारा है सर, ये आपका नाम कैसे पड़ा शास्त्री जी? मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है। सर, मेरा नाम जो शास्त्री जी पड़ा उससे पहले हम किसी भी कन्वेंशन की शुरुआत करते हैं तो मेरी एक स्तुति है, तो गणपति को याद करेंगे और शंकर मेरे जो इष्ट आराध्य देव शंकर है तो उनको याद करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम शास्त्री अनिल जोशी कैसे पड़ा। यस सर। लंबोदर नमस्तुभ्यं सतत मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। क्योंकि हम जिस विषय को लेके चलने वाले हैं तो उसके जो आराध्य देव है वो गणपति हैं, और जहाँ से ये प्रादुर्भाव हुआ है तो उनके जो इष्ट देव हैं तो शंकर भगवान हैं, तो हम महाकाल को भी नमस्कार करेंगे। आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रैलिंगम नमोस्तुते। सर, शास्त्री जी ऐसा हुआ कि मैं बचपन में 16 साल की आयु से ज्योतिष का वगैरह अभ्यास कर रहा था और साथ में प्रिडिक्शन भी कर रहा था, तो हमारे सभी पंडित मित्र वगैरह थे, हमारे समाज के थे, तो सभी मुझे मजाक मस्ती में ऐसे कि आप शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्री जी ऐसी उपमा उन्होंने दी है, और जिसको हम जैसे हम बेसिक स्टडी में करते हैं तो जैसे डिग्री मिलती है, तो उस तरह से सभी समाज की तरफ से और सभी मित्रों की तरफ से एक शास्त्री करके मेरा पेट नेम उन्होंने डाला और जिसकी वजह से मेरा शास्त्री नाम। हाँ, क्योंकि हम मिले थे तभी आपने बताया शास्त्री अनिल जोशी बोलते हैं सब लोग। जी, मतलब पहले पूछ लेता हूँ मैं सर। जी सर, ये 16 साल से कैसे स्टार्ट किया था आपने? ये तो आपने बताया कि आपको नानी और पप्पा जी के वंश के हिसाब से ही मिला हुआ है परंपरागत। जी हाँ, मुझे एक हर एक मनुष्य की एक इच्छा होती है कि आने वाला भविष्य में क्या घटित होने वाला है और वो क्या घटना होने वाली है। ओके। तो वो जानने की वजह से मैंने ये सब ज्योतिष का अभ्यास शुरू किया था, और फिर जैसे जैसे मुझे लोग मिलते गए वैसे वैसे उन लोग की कुंडली स्टडियाँ करते गए, और वो हिसाब से मेरा धीरे धीरे अभ्यास इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ। और परंपरागत जो मुझे विद्या मिली है, विद्या प्राप्त जो हुई है, तो मेरे पिताजी से भी मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला, और हमारे जो नाना जी है उनकी तरफ से मुझे बहुत ज्ञान। आई थिंक 100 साल के आगे से आपका कुछ तो नाना जी की जो परंपरा है वो 100 साल से भी ज़्यादा उन लोग की है, और मेरे जो बड़े नाना जी थे वो खुद ऋषि प्रेमानंद तीर्थ करके हुए, और कच्छ के मांडवी तालुके के अंदर नाना असम्भ्य करके गाँव है, और वहाँ पे आज भी उनकी समाधि वहाँ पे मौजूद है ऋषि प्रेमानंद तीर्थ करके, और उनका जो नाम था वो प्रेम जी दाम जी शर्मा करके नाम था। बढ़िया है, लेकिन काफ़ी यानी 16 साल की उम्र से सर, तो इंटरेस्ट कैसे आया कि ये चल रहा है, चलो परंपरागत है तो हम सीखते हैं, या फिर क्या हुआ? इंटरेस्ट के अंदर ऐसा हुआ कि मुझे अगम निगम की सारी चीज़ें जानने की इच्छा थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक स्पिरिचुअल साइंस है जो हमें बहुत सारे कुछ आगे का ज्ञान दिखा सकता है, कि हमको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है
और आगे का जानने की थोड़ी उत्सुकता, तमन्ना और उत्सुकता होने की वजह से मैं ये शास्त्र के अंदर धीरे धीरे इन्वॉल्व होते गए। ओके, ये सर ज्योतिष शास्त्र जैसे हम बात करते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र क्या है? ज्योतिष शास्त्र का बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ज्योतिष से हम बहुत सारी चीज़ों को बदलाव वगैरह ला सकते हैं, भाग्य को बदल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में ज्योतिष जो है एक मार्गदर्शक का काम करता है। ज्योतिष का मतलब होता है कि जो कुदरत की तरफ लेके जाने वाली ज्योति, ज्योति वत्ता इस यानी ज्योतिष, जो परमेश्वर की तरफ लेके जाने वाली राह दिखाने वाला का जो पथ है उसको ज्योतिष कहते हैं। और ज्योतिष हमें बीच समुद्र के अंदर भी हम खड़े रहेंगे तो उनकी गणना के अनुसार वो हमें मार्गदर्शक बन के हमें सहायता कर सकता है। इसके लिए ज्योतिष किसी का भविष्य तो नहीं बदली कर सकता है लेकिन मार्गदर्शक बन सकता है, और इसे ही हम संक्षिप्त के अंदर ज्योतिष कहते हैं, कुदरत की राह दिखाने वाला मार्ग यानी ज्योतिष। ये शास्त्र का कैलकुलेशंस कैसे होता है सर? ज्योतिष शास्त्र के अंदर बेसिक ऐसा है कि इनके तीन सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले जो है काल गणना होती है ज्योतिष की, उसके बाद जो इसका सिद्धांत कौमुदी होती है, और होरा शास्त्र करके ज्योतिष का ये तीन काल घटना के अनुसार कैलकुलेशन किया जाता है। ओके, और इसके द्वारा प्रिडिक्शन किया। तो ये जो कुंडली बनाते हैं, जैसे जन्म हुआ, जो हमारे में एक परंपरा ही है, कुंडली बनाते हैं, 12 घर है, जो सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, तो वो सारा कैलकुलेशन कैसे होता है? ज्योतिष के अंदर सबसे जो पहला जो कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसके लिए ज्योतिष के जो पंचांग होता है, जो पांच अंग होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रह और लग्न। लग्न यानी जिस वक्त, जिस जातक, यानी ज्योतिष के अंदर हम जातक कहते हैं, जो अच्छा जातक, ओके, तो जो जन्म लेने वाला है, तो मनुष्य जन्म जब भी पृथ्वी पे उसका माता के गर्भ से उसका जन्म होता है, और उस वक्त ग्रह की जो आकाशमंडल के अंदर तारा और ग्रह और नक्षत्र की जो पोजीशन होती है, वो पोजीशन को प्रथम भाव यानी लग्न के लग्न लिखा जाता है। लग्न यानी शादी नहीं होती है, लेकिन लग्न यानी उस जातक का, उस जीव का, यहाँ से लग्न यानी संधि, यहाँ से उनका मिलन हुआ तो पृथ्वी के ऊपर उनका अवतरण हुआ, जन्म हुआ। और उस वक्त जो आकाश की सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को कैलकुलेट करके ये पांचों चीज़ों को एक साथ में लेके आया जाता है, और उसके बाद जो जो हम लोग बाद जो है वो लग्न कुंडली बनाई जाती है, और लग्न कुंडली के माध्यम से उसका भविष्य कथन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इस तरह से किया जाए। ओके, यानी नक्षत्र भी इम्पोर्टेंट है, टाइम, बर्थ प्लेस, ये सारी चीज़ें एक इम्पोर्टेंट बेसिक ज्योतिष के अंदर अगर हम जानने जाएंगे तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो जन्म का समय। ओके, अगर जन्म का समय सही है तो ज्योतिष 101% एक्यूरेसी साइंस है, लेकिन अगर समय कहीं गलत आ रहा है तो शास्त्र में इसके लिए भी एक ऐसा दिया गया है कि सूर्य की गति है वो 4 मिनट में आगे गति के हिसाब से चलता है, तो अगर 4 मिनट के अंदर टाइमिंग का कुछ आगे पीछे फ़र्क आ रहा है तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 4 मिनट के बाद समय में टाइमिंग चेंजिंग आ रहा है तो उसके अंदर ज्योतिष के प्रिडिक्शन में पूरे साल का फ़र्क पड़ जाए। अच्छा, यानी मिनट्स और वो जैसे नक्षत्र चेंज हो गया या फिर कुछ मोमेंट्स चेंज हो गए, जैसे वो टाइमिंग के हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि हमेशा बोलते हैं दशा और दिशा, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं। तो ज्योतिष के अंदर मेन जो सब्जेक्ट होता है तो सूर्य और चंद्र की गति होती है, तो जैसे 12 डिग्री चंद्र सूर्य से आगे जाता है तो एक तिथि होती है, तो इस तरह से ज्योतिष के अंदर तिथि, नक्षत्र, इसके ऊपर कैलकुलेशन करके प्रेडिक्शन वगैरह किया। ये शास्त्र कितना पुराना है सर? ये शास्त्र एक्यूरेसी तो नहीं कही जाएगी लेकिन बहुत ही, कि जिसकी हम काल गणना नहीं कर सकते, इतना ये शास्त्र पुराना है और अभी भी वही शास्त्र एक्यूरेट। वेस्टर्न वाले भी फॉलो करते हैं, भले ना बोलते रहते हैं लेकिन करते हैं ये लोग भी फॉलो। वेस्टर्न में ज़्यादा करके जो हिब्रू थे, हाँ हाँ हाँ, और इजिप्त और हिब्रू थे, रोम के वगैरह, तो उन्होंने ये सब न्यूमरोलॉजिकल माध्यम से उन्होंने ज्योतिष को
अपनी तरफ फैलाव करने का उन्होंने प्रारंभ किया था। लेकिन सिद्धांत कौमुदी और ज्योतिष शास्त्र जो हमारा भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्र है वो सबसे पुराना माना गया है, सबसे पुराना। इसकी काल गणना और ये काफ़ी एक्यूरेसी है और डीप कैलकुलेशन इसका किया जा रहा है। ज्योतिष में सर डिविजन्स होते हैं, वो डिविजन्स कैसे होते हैं, क्या होता है ज्योतिष के? ऐसे तो डिविजन, टोटल डिविजन 16 डिविजन होते हैं, लेकिन अभी सारे डिविजन तो कवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको एक प्रारंभिक में बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक जो ज्योतिष होता है तो वो जातक का प्रिडिक्शन यानी फलादेश करना होता है। दूसरा जो ज्योतिष होता है कि इंस्टेंट आंसर देना, यानी उसको हुरारी एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, जिसको हम बताते हैं कि प्रश्न ज्योतिष। ओके। इसके साथ होता है एक होरा शास्त्र होता है। ओके। होरा शास्त्र के बाद एक नक्षत्र गणना भी होती है। इसके साथ में बहुत जगह पे छाया ज्योतिष करके भी है कि शरीर की जो सवेरे जिस वक्त सूर्य उदय होता है और उस वक्त शरीर का जो छाया पृथ्वी पे गिरती है वो कैलकुलेशन करके भी ज्योतिष की गणना की जाती है, जिसको छाया ज्योतिष कहते हैं। फिर इसके बाद एक आता है सिद्धांत के अंदर सूर्य सिद्धांत करके, कि सूर्य के द्वारा भी ज्योतिष देखा जाता है, तो नक्षत्र से भी सूर्य से। इसके साथ भूमि परीक्षण है, वो भी ज्योतिष का अंग है। वास्तु परीक्षण है, वो भी ज्योतिष का ही अंग है। और इसके साथ नक्षत्र गणना, वो भी ज्योतिष का अंग है। और सबसे महत्व का जो है कि इसके अंदर ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इंग्लिश के अंदर पैरासाइकोलॉजी सब्जेक्ट कहते हैं, कि जो अगम निगम की दुनिया है, तो वो भी ज्योतिष के 9th हाउस के ऊपर से कैलकुलेशन करके वो भी प्रेडिक्शन वगैरह किया जाता है। तो इस तरह से और भी एक है कि अंग लक्षण विद्या कही जाती है, जिसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। हाँ, ये सुना है। वो भी ज्योतिष का ही सब्जेक्ट है। और आपने बहुत सारे ऐसे मदारियों को, बहुत सारे ऐसे जो साधु रहेंगे और बहुत सारे ऐसे जादूगर रहेंगे, तो वो भी किसी का चेहरा देके जो बता देते हैं, जिसको हम फेस रीडिंग, तो ये भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर है। और इसके अंग है। और इसके साथ और एक डीप साइंस है कि जिसको हम तिल कहते हैं, जो हमारे एक फेस, हाँ, जो ब्राउन कलर के होते हैं या तो ब्लैक कलर के होते हैं, तो वो भी हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर वो इंडिकेशन करते हैं कि उसका नेचर कैसा है और उसका प्रतिबिंब के अनुरूप, या उसका जो दूसरा तिल है तो हमारे किस अंग के अंदर, शरीर के किस अंग के अंदर वो तिल है। तो बहुत सारे ऐसे भी हमें बताया जाता है, उसका भी एक विज्ञान अलग से ऐसे। ओके। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्योतिष के 16 डिवीजन के अंदर, ऐसी शायद कोई चीज़ नहीं होगी या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 16 डिवीजन की जिसकी स्टडी हो तो हर चीज़ से वो मास्टर कहले। यानी ओवरऑल सब कुछ, जैसे बॉडी में हर एक चीज़ को कवर करने का एक पूरा साइंस दिया हुआ है ज्योतिष शास्त्र में। जैसे हमने आपको अभी बताया कि सामुद्रिक शास्त्र यानी वो अंग लक्षण विद्या होती है, तो अंग लक्षण पामेस्ट्री जो बोलते हैं वो भी इसमें पामेस्ट्री है। और मैंने एक जगह जूना ग्रंथ मैंने पढ़ा है, तो वहाँ पे पाव की रेखाओं देख के भी ज्योतिष बताया जाता है। क्या बात है। तो बहुत लोगों को कम पता है कि जिसको पैरों की रेखाएं देख के भी भविष्य बताया जाता है, क्योंकि सामुद्रिक शास्त्र और बहुत लोग हस्त परीक्षण करते हैं, तो पामेस्ट्री सबको ज़्यादा मालूम है, लेकिन ये भी एक ऐसा साइंस है कि जिसके अंदर हस्त पैर की रेखाओं देख के भी भविष्य बताया जाता है और शरीर की छाया देख के भी भविष्य बताया जाता है। गिने चुने ज्योतिष है जो इसके बारे में अभ्यास कर रहे हैं। जी जी जी। एंड इतना सारा बात हुआ सर, बहुत ही अच्छी है, खुशी की बात है। लेकिन मेरे को ये बताइए कि अगर मैं आपके पास आता हूँ जैसे, तो मुझे क्या क्या डिटेल्स मेरे पास होनी चाहिए? ज्योतिष शास्त्र में जैसे मैं आपको पहले बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है जन्म की तारीख, इसके साथ जन्म का समय, बर्थ और बर्थ ऑफ प्लेस, कहाँ पे जन्म हुआ है वो, क्योंकि ज्योतिष की जो गणना होती है वो एटीट्यूड, लॉन्ग एटीट्यूड के हिसाब से ज्योतिष की गणना की जाती है। तो उसके अंदर वो माध्यम से जातक का कहाँ पे जन्म हुआ है, वहाँ के सूर्य उदय की डिग्री गति के हिसाब से कैलकुलेशन करके उसको भविष्य से रिलेटेड जानकारी वगैरह दे सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चंस मैं पूछूंगा वही क्वेश्चंस बताएंगे या आप ओवरऑल बता सकते हैं कि नहीं? जनरली इसमें क्या होता है कि अगर
कोई हमारे पास कोई जातक यानी पति, जैसे मैं हूँ सर, मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं मेरी बात करूँगा कि जैसे मैं आपके पास आया जी, मैंने आपने जो बताया मुझे कि एक टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए और बर्थ डेट चाहिए, ये तीनों चीज़ मैंने दे दी, तो उसके बाद हम क्या क्या जान सकते हैं अपने बारे में? इसमें जानने में ऐसा होता है कि जनरली ये होता है कि आप क्या क्वेश्चन लेके आते हो वो, लेकिन इसमें एक सीक्रेट साइंस ऐसा भी है कि जिसको हम चंद्र यानी मन, तो जो भी जातक लेके आता है तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसके माइंड में रहता है। तो हमारा ये कैलकुलेशन होता है कि चंद्र किस स्थान में विराजमान है और उस स्थान से रिलेटेड ज़्यादा करके सामने वाले का प्रश्न उससे रिलेटेड ही होता है। तो कभी कभी हमारे पास कोई ऐसे आते हैं जातक वगैरह ज्योतिष पत्रिका दिखाने के लिए, तो वो तो सोच के कुछ और ही आते हैं, लेकिन जब भी हम बताएं कि भाई आपको आपके बच्चे से रिलेटेड समस्या है या आपके हेल्थ से रिलेटेड है, तो उनको ये शौक लगता है कि भाई मैंने तो कुछ पूछा नहीं, लेकिन फिर भी सामने से इन्होंने जो मैं जिस जानकारी के लिए आए हूँ वही उन्होंने मुझे, यानी मनस्थिति पता चल जाती है, तो वो चंद्र के, यानी इतना डीप साइंस बना हुआ है। ओके, और ये चंद्र के हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो उसमें क्या क्या हम गाइड कर सकते हैं? जैसे मैं अभी आया तो एज या फैक्टर है या फिर कुछ भी नहीं है, जैसे भी? ज्योतिष शास्त्र में जनरली ऐसा होता है कि 8 साल की आयु के बाद जो भी है वो कैलकुलेशन जो है वो पावरफुल रहता है, लेकिन जो ग्रह नक्षत्र दोष के बारे में जो बताते हैं पंडित जी कि भाई राहु खराब है, शनि खराब है, तो वो जो का गण जो गणना होती है तो वो जन्म के समय जो प्रिडिक्शन होता है तो उसके अंदर वो लिख दिया जाता है। लेकिन 8 साल के बाद की आयु के बाद अगर किसी को अपना कैरियर सिलेक्शन करना है तो ज्योतिष इसके लिए सबसे बेस्ट माध्यम है, और ज्योतिष में उनके ग्रहों के आधार के अनुसार वो चीज़ के अंदर या वो स्टडी के अंदर वो आगे बढ़ेंगे तो उनको बहुत सारा फायदा होता है। बहुत बार हमारे पास गाइडेंस मिल जाएगी, मिल जाता है जी। बहुत बार हमारे पास ऐसे भी होते हैं कि जो आए BCom करके आए हुए हैं लेकिन अभी आगे उनको पढ़ना है तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो हम ज्योतिष के अंदर देखते हैं कि इन्होंने जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट जो सब्जेक्ट किया है वो रॉन्ग सब्जेक्ट है, उनको जाना था आर्ट्स के अंदर लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है कॉमर्स, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये सब कर चुके हैं और टाइम भी लगा चुके हैं, तो फिर क्या करना चाहिए उनको? उनको शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेस होते हैं, आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, डिजिटल माध्यम डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि आप शॉर्ट टर्म के कोर्सेस वगैरह भी कर सकते हैं, आपको अपडेट कर सकते कर सकते हैं जो आप हमेशा करते रहते हैं। मैंने आपकी ऑफिस पे अभी विजिट किया था तो काफ़ी देखा, आप भी अपडेट बहुत ज़्यादा करते हो सर। अभी भी मेरा चालू ही है अपडेट, क्योंकि मेरे पास हर दिन एक नया क्वेश्चन होता है और वो क्वेश्चन के हिसाब से मैं मेरे जो क्या अपडेशन जल्द अपडेट रखता हूँ, जिसकी वजह से मैं सामने वाले को सही तरीके से गाइड कर सकूँ। क्योंकि ज्योतिष के पास क्यों आता है बंदा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो होप चाहिए होती है या फिर क्या होता है कि भाई ये दिशा या दशा मिले मुझे? ज्योतिष के पास ज़्यादा करके तो दो कारण से ही आते, या तो फैमिली प्रॉब्लम होती है और या तो फाइनेंशियली, और अभी एक अपडेट लोगों के अंदर इतनी जागरूकता पैदा हो गई है कि अभी इन सब चीज़ों के बजाय ज्योतिष में सब ज़्यादा करके अपने बच्चों का कैरियर गाइडलाइन के लिए अभी ज़्यादा आते हैं, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि कैरियर गाइडलाइंस करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी कोई कैरियर के हिसाब से मुझे अप्रोच करे या फिर आपके पास सलाह लेने के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी उनको एक, जैसे कि अभी मुझे भी पता नहीं था, मैं भी बहुत दूर से मिला हूँ, ऐसा नहीं है, रीज़न ये होता है कि हम जाते हैं कहीं पे, हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं लेकिन हम पूछते हुए हैं जहाँ पे जैसे दिक्कत हो गई तब जाके आदमी ज्योतिष को सहारा लेता है, या फिर कभी बहुत ही अड़चन में आ गया, जैसे फाइनेंशियल हो गया या फिर कहीं पे स्टक हो गया या बिजनेसेस में लॉस हो गया, तभी आदमी आता है। तो उससे बेटर वे कि हम सही टाइम पे गाइडेंस ले तो हम उससे बच सकते हैं या फिर 101% बच सकते हैं। जैसे आप एक प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन रहेंगे या नॉलेजेबल जो एस्ट्रोलॉजर रहेंगे, अगर उनसे आप गाइड लेते हो बच्चों के लिए, अगर समझो आप कैरियर के लिए गाइड लेते हो तो बच्चे
गलत दिशा के अंदर ना जाते हुए प्रॉपर अपने एजुकेशन फील्ड के अंदर प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके साथ में कुछ ऐसे भी घटनाएं ज्योतिष के माध्यम द्वारा की जाती है, प्रिडिक्शन किया जाता है कि जैसे सबसे पकड़ लो कि कुछ ऐसे ग्रह विषोत्री के अंदर आते तो फाइनेंशियल क्राइसिस होने के भी चांसेस होते हैं, तो आप उस वक्त पैकअप कर सकते हो या तो वो रिस्क फैक्टर आप कम लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नुकसान होने से आप बच सकते हो। इसके पहले साथ अगर अब आने जैसे नुकसान होने के बाद आने से बेटर है कि उससे पहले पहले गाइड लिया जाए तो सबसे बेटर रहता है। बराबर है। और इसमें और भी एक है कि आजकल और एक ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन है कि हेल्थ से यस हेल्थ का इश्यू अभी तो ज्योतिष के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया था कि शरीर शास्त्र सामुद्रिक विज्ञान सामुद्रिक होता है तो ज्योतिष का और एक भी है जिसको हम लोग ज्योतिष को विज्ञान के माध्यम से भी देखा जाता है और वो ज्योतिष को शरीर के अंगों की कैलकुलेशन करके किस अंग के अंदर कौन सी तकलीफ आने वाली है या कौन से साल में आने वाली है तो इस तरह से भी कैलकुलेशन करके सामने उनको अलर्ट कर सकते हैं कि भाई आप संभाल के रहिए, आपका ज्योतिष के अंदर यह ग्रह खराब चल रहा है तो शायद आपको पित्त से रिलेटेड बीमारी होने वाली है या सर्दी कफ होने वाला है या वात विकार होने वाला है। तो पर्टिकुलर कौन से ईयर्स में होने वाला है वो विषोत्री के ऊपर से भी ये थोड़ा डीप साइंस है, हम जो जनरल बात कर रहे हैं कभी यानी जैसे मेरे को नेक्स्ट 2 साल अच्छे नहीं जाने वाले तो मुझे पता चल सकता है कि जाएंगे नहीं जाएंगे तो मैं क्वेश्चन सही टाइम पर पूछूं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ ओवर रिस्क लेने वाले रहेंगे और आपका समय सही नहीं है तो नेचुरली है कि आपका ज़्यादा ही नुकसान होने वाला है। लेकिन तो अगर आपको पता चल गया कि भाई मेरा ये समय इतना ख़राब चलने वाला है तो उसके अंदर आप कम रिस्क लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और कभी कभी रिस्क ले और स्टेबल लाइफ जीते जी के निकाल ले उस समय। और इसमें और भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको हम लोग फैमिली से भी कैलकुलेशन किया जाता है कि अगर समझो आपका कुछ ग्रह वीक चल रहा है लेकिन आपके बच्चों का ग्रह पॉजिटिव चल रहा है, आपके फैमिली के अंदर किसी फैमिली मेंबर का पॉजिटिव है तो कभी कभी हम ये भी सलाह देते हैं कि शायद आप जो काम कर रहे हो वो खुद के ऊपर खुद के नाम से ना करके भी उनके नाम से आप काम करेंगे तो सक्सेसफुल हो पाएंगे। ओके तो ये गाइडलाइंस मिल सकते हैं। सर मेरा और एक क्वेश्चन था कि जिसका बर्थ डेट पता नहीं है जैसे कि प्रीवियस जैसे अपनी पीढ़ी में तो पता है चलोगे हम लोग डेट ना ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अगली वाली जनरेशन को तो पता भी नहीं था बर्थ डेट भी नहीं था कुछ भी नहीं था तो भी उनका भी नहीं बना सकते हैं? जी हाँ श्योर बना सकते हैं। और उसके लिए जो एक सब्जेक्ट है तो जैसे पराशर ऋषि हुए गए तो उन्होंने हुरारी एस्ट्रोलॉजी जिसको प्रश्न ज्योतिष हम कहते हैं तो उन्होंने सामने कोई भी व्यक्ति अगर हमें क्वेश्चन कर रहा है तो उस समय की तारीख वो समय और वो स्थान को कैलकुलेशन करके सामने वाले के 3 आंसर तक हम सही दे सकते हैं। अगर उनके 3 आंसर कुछ उन्होंने पूछे तो वो 3 आंसर हम सही दे सकते हैं। तो इस तरह से भी उनको हम लोग बिना यानी डेट के भी बर्थ डेट भी नहीं है जी 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 कोई जरूर नहीं है यानी कुछ भी नहीं है तो भी हम दे सकते हैं जिसको हम प्रश्न स्टडी किया जी प्रश्न ज्योतिष। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि अगर घर के अंदर कोई चीज़ रख दी है तो उनको मिल नहीं रही है तो उसमें भी कैलकुलेशन किया जाता है तो नक्षत्र के माध्यम से कैलकुलेशन किया जाता है कि कौन से नक्षत्र में वो चीज़ गुम हुई है तो मिलेगी नहीं मिलेगी या कितने दिनों में मिलेगी या कौन सी दिशा से मिलेगी ये भी हम यानी सारी चीज़ें हम यानी इतना डीप साइंस है कि हम कुछ ना कुछ डिटेल्स में अगर हमारे पास छोटी मोटी भी डिटेल्स हैं जी जी या नहीं है कुछ भी तो भी हम लोग तो भी इसे आप ज्योतिष मिल सकते हैं आंसर ले सकते हो और गाइड भी ले सकते हो आप ज्योतिष के माध्यम से। अगर आप होप छोड़ देता है बंदा फिर भी ज्योतिष के पास आके भी कुछ ना कुछ होप देखो जनरली क्या होता है कि ज्योतिष के पास वही लोग आते हैं या तो होप छोड़ देते रहे या उनको आगे कुछ बढ़ना है अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आगे एक स्टेप मुझे आगे बढ़ना है या फिर मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए कि मैं कौन सी सिचुएशन में हूँ लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में जाना है तो भी हम लोग ये कर सकते हैं गाइडेंस ले सकते हैं। मैं आपको एक मेरा खुद का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास क्लाइंट आए थे तो उनकी लड़की थी और आई थिंक जैन समाज की थी, नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा उनका। तो
उनके कैरियर के बारे में मुझे पूछा गया था, तो उनको ब्यूटीफुल ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड उनको गाइड करना था। तो उनके पेरेंट्स का ज़्यादा करके अप्रोच यही था कि इनको पार्लर फील्ड के अंदर डाला जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन मैंने जब भी उनके ग्रह का कैलकुलेशन किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसको मेडिकल साइंस के अंदर अगर डाला जाए और बायोमेडिसिन के ऊपर डाला जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। आज वो लड़की 24 साल की है और टाटा के अंदर बायोमेडिसिन के ऊपर कैंसर की जो बीमारियों से रिलेटेड जो डिसीज है तो उसके लिए जो मेडिसिन बनाई जा रही है, तो मेडिसिन के अंदर वो रिसर्च कर रही है। काफ़ी बढ़िया है, यानी हम काफ़ी सही टाइम पे अगर क्वेश्चन सही जगह पे आप मुलाकात करके अगर हम कर सकते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं, यानी बच सकते हैं। लेकिन होने वाला है नुकसान, वो तो होना ही होना है, उससे आप नहीं बच सकते हो। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप नुकसान होने के बाद आते हो तो मैक्सिमम नुकसान होने से अच्छा है कि आप, यानी 100 रुपये जाना था तो 10 रुपये में काम हो गए। लेकिन किस माध्यम से रिकवरी करनी है वो एस्ट्रोलॉजर आपको सही गाइड करेगा, तो आप बिजनेस के लिए भी लागू पड़ गया। अगर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, बिजनेस में भी ऐसा है कि अगर ये बिजनेस आपके नाम से सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। लेकिन सामने वाले जातक का ज़्यादा करके तो जिद यही होती है कि भाई मुझे यही बिजनेस करना है, तो उनको इस तरह से गाइड किया जा सकता है कि उनकी फैमिली की सारी पत्रिका मंगवा लेते हैं और उसके अंदर जिसके ग्रह बलवान होते तो फर्स्ट सिग्नेचर है वो उसकी आनी चाहिए, या तो प्रोपराइटर में फर्स्ट नेम उसका आना चाहिए या तो उसके नाम से बिजनेस करना चाहिए, तो जिसकी वजह से वो कम नुकसान के अंदर बहुत सारा फायदा कर सकते हैं। यानी अगर बिजनेस करना है तो पहले देख लेंगे हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक अभी बताऊं कि हम जस्ट अभी 22 जनवरी 2024 के अंदर अयोध्या के अंदर रामलला की मूर्ति की जो स्थापना की थी, वो मूर्ति स्थापना करने के लिए भी जो मुहूर्त शास्त्र निकाला गया था, जैसे ज्योतिष के अंदर मुहूर्त शास्त्र होता है, तो ये मुहूर्त शास्त्र के कैलकुलेशन के अनुसार अगर आप कोई कार्य करते हो तो अवश्य वो कार्य के अंदर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कार्य सिद्धि कर सकते हैं और कार्य सफलता भी कर आपको प्राप्त हो सकती है। जी बढ़िया, यानी कार्य करने से पहले पूछो कार्य सिद्धि इसमें मुझे सफलता प्राप्त होने के कितने चांसेस है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन किया जा सकता है और उस हिसाब से आपको मुझे पता चल सकता है कि मैं क्या दशा और दिशा दोनों पता चल जाएगी कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर ये 5 तत्व जो 5 एलिमेंट्स बोलते हैं उसका अपने जीवन में क्या महत्व है और उसका क्या इफेक्ट होता है हमें? अब पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक जो कोई भी चीज़ बनी हुई है तो ये है 5 तत्व से बनी हुई है, और हमारा जो शरीर है ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का एक छोटा सा सूक्ष्म स्वरूप है। तो जो एक मराठी में मैंने किताब पढ़ी थी तो उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक था कि पिंडी ते ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी ते पिंडी, यानी जो ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे शरीर में और जो हमारे शरीर के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। तो ये 5 तत्व होते तो सबसे पहला तत्व आकाश तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये 5 महाभूत है और 5 महाभूत से ही शरीर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले तो अग्नि तत्व होता है, तो जो अग्नि के माध्यम से हर चीज़ को बांधा जा सकता है। जैसे अभी देखो बहुत सारे कांच की आप अच्छी अच्छी एसेसरीज देखी रहेगी, लेकिन उसको अग्नि के अंदर गर्म किया जाता है तभी मोल्ड, जिसको हम मोल्डिंग बोलते हैं, तो अग्नि तत्व से। तो हमारा शरीर भी है वो इस अग्नि तत्व से शरीर बनने की शुरुआत होती है। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन के अंदर ये 5 तत्व विशेष हमारे महत्व रखते हैं। अभी समझो हमारे शरीर में कभी ऐसा होता है कि जल तत्व बढ़ गया है तो नेचुरली आप देखेंगे कि वो व्यक्ति को या तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है या खांसी वगैरह आती है। अगर उसका अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो उसको बुखार बहुत सारा आता है, 104 डिग्री के ऊपर भी बुखार कभी कभी सिर के अंदर चला जाता है, तो उसका अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है।
अभी हम बहुत जगह देखते हैं कि हमें बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि भाई मैं ये खाऊंगा तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी, वो खाऊंगा तो एसिडिटी, तो उस शरीर उस मनुष्य का पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये हर एक चीज़ इफेक्ट करता है हमारे बॉडी के ऊपर, पंच तत्व इफेक्ट करता है जी। बढ़िया सर, तो यहाँ तक तो काफ़ी सर इंटरेस्टिंग रहा अभी तक का। कैसे सर, आर यू एंजॉइंग ना पॉडकास्टिंग? सर मैं आपके साथ मिलके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी कर रहा हूँ, और मुझे इतना आनंद हो रहा है कि आप मुझसे जो नॉलेज शेयर कर रहे हो, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा सर, मैं आपको संस्कृत के अंदर हर चीज़ का नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि समय कंट्रोल होने की वजह से। हाँ सर, समय सर काफ़ी डिटेल्स में, लेकिन मुझे तो लग रहा है काफ़ी अच्छे से आपने बताया, बहुत सारी चीज़ें इन डीप है, और इसको मुझे लग रहा था आपने, हम मिले थे तभी आपने बताया कि एक सब्जेक्ट पकड़ के चलेंगे तो 20 साल लगता है, सिर्फ 20-22 साल लग जाएंगे। देखो साइंस भी मानता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को 30 साल तक स्टडी की जाती है उसके बाद उसको मान्यता दी जाती है साइंस के अंदर, तो ये भी ऐसा ही सब्जेक्ट है कि आप करत करत अभ्यास मूढ़मति होत सुजान, कि जितना आप अभ्यास करते जाएंगे इतने आप महारथी होते जाएंगे, क्योंकि ये तो अफाट समुद्र है, इसमें से शायद हम कुछ बूंदे ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी समुद्र में तो बहुत सारी गहराई है और बहुत सारे समुद्र के अंदर खजाने पड़े हुए हैं। तो ज्योतिष शास्त्र भी ऐसा है कि आप जितना अभ्यास करते जाएंगे इतना आपको कुछ ना कुछ नया 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 मिलते ही रहेगा, और आपका नॉलेज भी बढ़ते रहेगा। शास्त्री जी, हम 2024 में बैठे हैं, तो हमारे जातकों को जब भी आपने बताया मुझे, तो उनकी राशि वाइज कुछ ये साल कैसा रहेगा डिटेल में बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा सर। सर मैं डिटेल में बता पाऊँ उससे मैं पहले आपको एक हमारे जो मुहूर्त के ऊपर बात चली थी, हाँ वो तो ये 12 राशियों के अंदर मैं आपको जो उपाय बताऊँगा तो वो क्यों करना ज़रूरी है, तो इसके बारे में मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहूँगा। बताइए बताइए सर। कि एक व्यक्ति थे, तो उनके मन के अंदर ऐसी तमन्ना थी कि मैं बहुत सारा धन कमाऊं और धनवान बनूं, लेकिन उसको कहीं राह नहीं मिल रही थी, तो एक ज्योतिष के पास गए, तो ज्योतिषी ने उनका पूरा जन्म का विवरण देखा उन्होंने, और पंचांग वगैरह सब निकाल के मुहूर्त वगैरह निकाले, और उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन रात को 12 बजे जो आपको पहली व्यक्ति मिलेगी उससे आप धनवान बनेंगे। जो व्यक्ति मिलेगी, हाँ ओके। तो ऐसा 7 दिन तक उसको नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन 7 दिन इंतजार कर रहा था कि कभी वो 7वां दिन आए और कभी रात के 12 बजे और मुझे जो व्यक्ति पहला मिले उसको मैं पकड़ लूँगा तो शायद मैं धनवान बन पाऊँगा। तो 7वां दिन आया तो रात को 12 बज गए थे और 12 बजे अपने घर से निकले, तो सबसे पहले ना तो उसको कोई इंसान मिला और ना कोई उनको कोई ऐसे सुनसान रात के अंदर, लेकिन ठीक वही समय वहाँ से एक गधा आ रहा था, और गधे के पीठ के ऊपर जो बोरियाँ लदी हुई थी वो बोरियों के अंदर राख भरी हुई थी। तो वो सोचा कि ये तो गधा, मुझे तो बताया गया था कि इंसान मुझे कोई भी मिलेगा तो, लेकिन कोई भी मिला तो मुझे धनवान बना देगा। तो उन्होंने इतने सारे गुस्से में आ गए और उन्हें गधे जो आ रहे थे उसको पकड़ लिया गधे को, और ज्योतिष के घर के अंदर लेके गए और उसको नींद में से उठाए रात को, और बोलता है ये आप जो ज्योतिष आप मुझे बता रहे हो तो क्या मैं इस गधे की वजह से मैं कैसे धनवान बन पाऊँगा, ये तो गधा है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारे गुरुजी ये कहते थे कि आप जिस हिसाब से मेरे से बात कर रहे हो तो हर एक का अलग अलग सब्जेक्ट होता है इंटरेस्टेड, तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, हमारे गुरुजी कहते थे कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो दे लातम लात। तो अभी वो गधे को तो लेके आया था, लेकिन वो इंसान समझ नहीं पा रहा था कि इसकी वजह से मैं किस तरह से मैं श्रीमंत बन पाऊँगा, धनवान बन पाऊँगा।
तो उन्होंने ज्योतिष से बात की, ज्योतिष भी तो उन्होंने बोला मैंने सारी गणना की है तो सही है, माध्यम भी ज्योतिष भी सही है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये जो गधे के ऊपर जो राख से भरी हुई जो दो बोरियां लदी हुई है, मैं आपको 10 सोने के सिक्के देता हूँ, लेकिन शर्त ये रखता हूँ कि इसमें से जो भी कुछ निकलेगा वो मुझे आपको देना है, उसके लिए आप हकदार नहीं रहेंगे। तो सोचने लगा कि चलो 7 दिन का इंतज़ार हुआ, लेकिन गधे ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन ये ज्योतिष मुझे 10 सोने के सिक्के दे रहे। तो उन्होंने कबूल किया और ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने जो गधे के ऊपर बोरियां लदी हुई थी वो राख की बोरियों में से जैसे राख खाली करने लग गए तो उसके अंदर 1000 सोने के सिक्के मिले, यानी यहाँ पे 10 में इन्होंने 10 में उन्होंने कबूली की थी, लेकिन वो गधे के जो पीठ पे जो बोरियां थी वो बोरियों के अंदर 1000 सोने के सिक्के प्राप्त हुए, लेकिन शरद के हिसाब से ये था कि उसको तो नसीब में 10 ही सोना मोर लिखी हुई थी, तो उसको 10 ही प्राप्त हुई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो एक मुहूर्त की जो गणना करते हैं कैलकुलेशन, जो हम वो समय चूक जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर पीछे रह जाते हैं। जैसे अभी आजकल की टेक्नोलॉजी चल रही है डिजिटल टेक्नोलॉजी, अगर कोई ज्योतिष ये कहेगा कि मैं तो जूने पंचांग लिख के बैठूंगा, पत्रिका लिखूंगा और जन्म पत्रिका बनाऊंगा, तो शायद 16 वर्ग की कुंडली होती है वो बनाने में पूरा महीना लग जाता है। लेकिन वही अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हो सिर्फ आप कैलकुलेशन के लिए, तो आपका बहुत सारा समय बच जाता है, और वही समय आप 30 सेकंड के अंदर 16 प्रकार की कुंडलियां निकाल पाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो 12 राशियों के अंदर सबसे जो पहली राशि आती है वो मेष राशि है। तो लाइन से ही जाएंगे सर, मैं तो बोला आगे पीछे करेंगे। सर आप जैसे बोलेंगे मैं आपको उस तरीके से बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए सर आप तो शुरुआत जो है वो मेष से ही होनी चाहिए, यानी मेष से हो गया होनी चाहिए। जी हाँ। तो ये कैसे सर, ये कौन सी हम लोग जो देख रहे हैं वो जैसे दो राशि ये रहता है चंद्र और सूर्य, तो हम कौन सी देख रहे हैं? हम देखो सबसे पहले तो भारत है, भारतीय, हम हिंदुस्तानी है, तो हम भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार जो भारत की ज्योतिष गणना है वो चंद्र राशि के ऊपर ज़्यादा की जाती है। तो हमारे भारतवर्ष के अंदर जो राशि चलती है वो चंद्र राशि, जिसके ऊपर से हम बच्चों के नाम जो डालते हैं वो चंद्र राशि के ऊपर से हम बच्चों के नाम डालते हैं। जैसे राशि हम लोग, जैसे मेरा नाम क से चालू हो रहा है तो मेरा राशि मिथुन है, वैसे जो मैं वही पूछ रहा था, मैं आपने बताया क के ऊपर से रहेगा तो ज़्यादा करके कर्क राशि आती है, मिथुन तो नहीं आती। मुझे पता है तब तक क ख ग ऐसे कुछ तो रहता है ना, अक्षर से है ना इसके सारे। सर मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो सही हो, लेकिन आप मुझे इतने सारे आंसर कर रहे हो तो मैं भी थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप कितने प्रश्न पूछ रहे हो, तो आप भी कितने इसके अंदर इंटरेस्टेड हो। आपका मिथुन ही राशि आ रहा है। सबसे पहले हम मेष राशि से शुरुआत करेंगे, और ये जो हम मेष राशि की जो शुरुआत कर रहे हैं ये सामान्य जनरल है। तो अगर किसी को डीपली जाना हो तो उसके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर से जैसे एक्यूरेसी में चाहिए अपना। जी, लेकिन ये जो है ये सामान्य जो है वो गणना है। तो मेष राशि से स्टार्ट, मेष राशि से हम स्टार्ट करेंगे, और फिर आप जैसे बोले कि आप जो भी राशि बोलेंगे। नहीं नहीं सर, कोई नहीं है, आप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले जो मेष राशि है, सामान्य जो राशि भविष्य है मेष राशि का, तो 2024 में मेष राशि के जातकों को जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, और इस दौरान उनके कैरियर से रिलेटेड, उनके व्यवसाय से रिलेटेड, उनकी आर्थिक परिस्थिति, उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी संक्षिप्त के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो धन लाभ, धन के योग, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या, खुशी भरे पल, स्वास्थ्य संबंधित समस्या के बारे में 2024 का वर्ष मेष राशि के लिए जो जातक हैं उनके शुरुआत के अंदर जो गुरु बृहस्पति, जिसको हम कहते हैं गुरु, ग्रहों के अंदर गुरु कहते हैं और संस्कृत में उसको बृहस्पति बोला जाता है, तो बृहस्पति राशि में स्थित होने से, मेष राशि के अंदर गुरु विराजमान होने से,
उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ उनको समाज के अंदर मान सम्मान की भी बहुत सारी प्राप्ति होने वाली है। उनकी निर्णय क्षमता के अंदर डिसीजन से रिलेटेड वो भी इनके मजबूती रहने वाली है। इसके साथ शनि महाराज इनके एकादश स्थान के अंदर विराजमान है तो उनकी जो आमदनी है वो पक्की होने वाली है। आमतौर पर शनि महाराज हर चीज़ डिले करवाते हैं, शन्ने शन्ने यानी हर चीज़ देरी से देता है, लेकिन ग्यारहवें स्थान के अंदर जो शनि है वो आमदनी मजबूत करवाता है। तो शनि महाराज इन ग्यारहवें स्थान में आमदनी भी इनकी अच्छी प्रदान कराएगा और उनकी जो इच्छाएं हैं वो उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए शनि महाराज उनको सहायता करेंगे। राहु बारहवें स्थान में स्थित है तो मेष राशि वालों के लिए विदेश यात्रा भी हो सकती है बारहवें स्थान की वजह से। हालांकि ये वजह खर्चों के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है और खर्चों का सिलसिला थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। और इसके साथ सूर्य और मंगल नवम भाव में होने से पिताजी के पद की भी प्राप्ति उनको मिल सकती है। स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं वगैरह आ सकती है। इसके साथ आर्थिक तीसरे माह के अंदर आर्थिक चुनौतियों की भी उनको कमी दिखाई देगी और वर्ष की तीसरी तिमाही आर्थिक और शारीरिक रूप से कमजोर रहेगी, जबकि चौथी तिमाही में उनको बहुत सारे मामलों में अच्छे परिणाम उनको प्रदान होने वाले और खुशी प्रदान भी होगी। और दो जनरल इन की 2024 के दौरान मेष राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर शारीरिक रूप से अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आर्थिक चुनौतियां और स्वास्थ्य संबंध से दूर रहने का प्रयास करेंगे तो इस वर्ष सभी क्षेत्र में धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। धीरे धीरे ही होगा सर, धीरे, क्योंकि शनि महाराज ग्यारहवें स्थान में विराजमान है तो ओवर रिस्क नहीं लेना है ये साल मेष राशि वालों के लिए। लेकिन इसमें हम कुछ जैसे मुहूर्त शास्त्र में आपको एक स्टोरी बताई थी तो इसके उपाय भी होते हैं। तो इस साल अगर मेष राशि वालों घर के अंदर चंडी पाठ करें तो उनको अवश्य लाभ होगा। इसके साथ बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा चढ़ावे और इसके साथ जासवंत का फूल चढ़ावे तो वो भी उनके लिए बहुत सारी समस्याओं से समाधान मिल सकता है और आर्थिक परिस्थिति भी बहुत सारी उनको सुधर सकती है। और हो सके तो मेष राशि वालों को सवेरे सूर्योदय से पहले उठ के अगर भगवान सूर्य को ओम द्रुम द्रुणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ाएंगे तो उनको आरोग्य से रिलेटेड भी बहुत सारी सफलता प्राप्त होगी। तो ये जो हमने बताया ये संक्षिप्त के अंदर है, लेकिन इसको पूर्ण तरह से विस्तार से लेना हो तो आपको हर एक का जन्म अलग अलग होता है और समय भी अलग अलग होता है। ये जनरल प्रिडिक्शन, तो ये जनरल प्रिडिक्शन है मेष राशि वालों के लिए। अब नेक्स्ट कौन सा है सर, आप ही बताइए। अभी आप कर रहे हैं तो बढ़िया, काफ़ी डिटेल में बताया लेकिन सर आपने। तो दूसरी जो राशि है वो वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि है वो पृथ्वी तत्व के है, तो इनका जन्म जिसी का वृषभ राशि में हुआ है तो वर्ष के शुरुआत के अंदर जो गुरु है उनके बारहवें स्थान में धर्म कर्म में काफ़ी खर्च होने के योग इनके बन रहे हैं। तो सर खर्चा पहले वाले को भी खर्चा, सेकंड वाले को भी, ये जो खर्चा हो रहा है ये धर्म कार्य से रिलेटेड है। अच्छा, और धर्म के अंदर जो भी खर्चा होता है तो वो आपको दुगना होके फिर से आपको रिफंड मिलता है जी। भगवान कभी एक पैसा अपने पास रखता नहीं है। हाँ, वो आपको 10 रुपया करके रिटर्न करेंगे। आप 1 रुपया दोगे। आपने खर्चे की बात की तो मुझे एक थोड़ी सी अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि हम जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा करके 99 क्लब के मेंबर हैं। 99 क्लब के मेंबर हैं सर। ये तो 99 क्लब ये है कि हमारे गुरुजी ने हमें एक कथा बताई थी कि एक व्यक्ति रहता था और वो भगवान से रोज मांगता था कि भगवान मुझे 100 रुपया देना, इससे मुझे 1 रुपया कम मत देना और 1 रुपया ज़्यादा मत देना। लेकिन बाजू वाला जो बाजू में पड़ोसी रहते थे
वो रोज सुन के परेशान हो गए थे कि ये भगवान से रोज 100 रुपया ही मांग रहा है और उसे बोल रहा है कि मैं 100 रुपये से ना 1 रुपया कम लूँगा और ना 1 रुपया ज़्यादा लूँगा। तो पड़ोसी ने सोचा कि मैं एक काम करूँ कि 99 रुपीस एक थैली के अंदर बांध के उसके घर के बाहर रख दिए और सवेरे जैसे उठा तो उन्होंने देखा कि भगवान ने तो मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ तो शायद मुझे 100 रुपये भेज दिए रहेंगे। तो जैसे उन्होंने घर के अंदर आके पोटली खोली और पोटली के अंदर पैसे गिनने लग गए तो पैसे गिनने लगे तो 99 रुपीज़ मिले लेकिन 1 रुपया कम था। तो वो 1 रुपया पूरा होने के लिए वो कम से कम 100 बार उन्होंने गिनती कर ली लेकिन हर बार 99 ही रुपीज़ मिल रहे थे। तो गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान जाको मिले संतोष धन सब धन दूरी समान। तो हम सब कैसे 99 क्लब के मेंबर है और हमें 99 रुपीज़ मिले इस बात की खुशी नहीं है लेकिन हमें इस बात का दुख है कि हमें 1 रुपया कम क्यों मिला है। तो आइए हम थोड़ा सा आगे चलते कि जो धर्म कार्य के अंदर इनके बहुत सारे खर्च होने वाले वृषभ राशि के अंदर और ज़्यादा करके इनको 1 मई के बाद इनका गुरु गोचर का जो गुरु है इनकी राशि में आने की वजह से इनकी बहुत सारी समस्याएं रहेंगी जो भी आर्थिक रहेगी फैमिली से रिलेटेड रहेगी या हेल्थ से रिलेटेड रहेगी। तो इन सारी समस्याओं में उनको कमी आने की शुरुआत होगी और शनिदेव जो गोचर के अंदर दशम भाव में होने की वजह से उनको मेहनत बहुत सारी इस साल करनी पड़ सकती है। शनि भाग्येश और कर्मेश होने की वजह से भी इनके कैरियर के अंदर बहुत सारी उन्नति भी उनको प्राप्त होगी और उनकी वृद्धि भी होगी। साथ में जो राहु महाराज इन वर्ष पूर्ण वर्ष अंत तक एकादश भाव में रहने की वजह से उनकी जो स्थितियाँ हैं वो बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी होने लगेगी और सामाजिक तौर पर सक्रिय बने रहेंगे और ये साल वृषभ राशि वालों को दोस्तों की संख्या बहुत मिलेगी और सामाजिक क्षेत्र में उनको उठक पटक भी ज़्यादा बढ़ेगी और उनको धन का लाभ भी प्राप्त 1 मई के बाद होना वाला है। जैसे आपने बताए थे कि आपने बोला था कि हर खर्चा बढ़ने वाला है लेकिन जो शुरुआत के अंदर बोया हुआ है वो धन उनको ज़्यादा करके मिलने वाला है। तो इस तरह से ऑल ओवर वृषभ राशि वालों के लिए भी सफलता और धन और मान सम्मान सम्मान की तरफ से राजकीय सम्मान हो या सामाजिक सम्मान हो वो भी उन्हें प्राप्त होने वाला है। अभी इन में हम एक देखते हैं कि जैसे हम मेष राशि में उपाय बताए थे तो इसके लिए भी एक छोटा उपाय है कि अगर किसी को कुछ दिक्कतें आ रही हैं या उनको कुछ विघ्न आ रहे हैं या हेल्थ से रिलेटेड या फाइनेंशियल से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड तो उनको एक छोटा सा उपाय करने से बहुत सारी परेशानियों से भी वो बच सकते हैं। तो छोटा सा उपाय ये है कि अगर छोटी छोटी कन्या हो कुमारी का जिनको हम कहते हैं तो उनको प्रतिदिन उनके पैर को छूना है यानी उनको नमस्कार करना है और उनसे आशीर्वाद लेना है छोटी बच्चियों से। दूसरा गाय को घास खिलाना है लेकिन सूखा नहीं हरे रंग का गीला घास खिलाना है और अगर साथ में गेहूं के आटे की रोटी बना के गाय को खिला सकते हैं तो भी बहुत सारा अच्छा रहेगा। और शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाएंगे मूंगी तो भी उनके लिए बहुत सारा समस्याओं से बच सकते हैं। और वृषभ राशि को अगर इस साल महालक्ष्मी देवी का जप करते हैं तो उनको आमदनी से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी और आमदनी भी बढ़ सकती है यानी लाभ है लेकिन पहले खर्च करना जरूरी है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं जी। हम आई थिंक मेष और ऋषभ राशि ले चुके हैं, अभी मेरी राशि है मिथुन जी। चलिए सर शुरू कीजिए। पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको खर्चा ज़्यादा करवाना है या बेनिफिट ज़्यादा करवाना है? सर खर्चा भी करने में तैयारी है अपनी लेकिन कमाई ज़्यादा हो वैसा कुछ बताएं उपाय हमें। सर ये आपकी चैनल बहुत खूब आगे जाएगी और आई थिंक आप एपिसोड बहुत सारे
शूट भी करने वाले हैं। चलो आपकी राशि से शुरुआत करते हैं, और आपकी जो राशि मिथुन राशि जनरली कॉमन राशि है, वायु तत्व की राशि है, तो वायु तत्व यानी पवन देव। तो हमारे कच्छी के अंदर एक ऐसा कहावत है कि जो मन होता है वो वायु की तरह से, वायु की वेग से चलता है। मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर पाऊँगा, लेकिन इसको कच्छी वर्ड्स में सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मन के बारे में ऐसा कहा गया है कि कड़े कीड़ी, कड़े मकोड़ी, कड़े केसर सिंह, हाइडो हेकड़ी धारणे नरे सजो डी, दैट इज़ ए वायु तत्व। यानी हमारा जो मन है वो पूरे दिन के अंदर कभी मूंगी कड़े कीड़ी, कड़े मकोड़ी यानी मूंगा, कड़े केसर सिंह यानी लायन, जो मन है हमारा वो पूरा दिन स्थिर नहीं रह सकता है, चंचल है। चंचल मन है। तो ये जो मिथुन राशि है ये चंचल मन की राशि है। तो आइए हम सामान्य प्रेडिक्शन जानते हैं कि मिथुन राशि का जातकों को देवगुरु बृहस्पति गुरु 12वें स्थान में होने की वजह से इनमें बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करवाएंगे, और साथ में आर्थिक रूप से भी यह समय मिथुन राशि वालों के लिए मजबूत रहने वाला है। अगर कोई प्रेम संबंध से है तो उनका प्रेम संबंध भी बहुत ही प्रगाढ़ होने वाला है, और वैवाहिक जीवन तक जुड़ने का मौका मिलने वाला है। साथ में शनि महाराज भाग्य स्थान में विराजमान है तो भाग्य भी प्रबल बनाएगा, क्योंकि मित्र ग्रह है, बुध राशि का मित्र ग्रह शनि है, तो भाग्य भी प्रबल उनको दिलाएगा। और बहुत सारी रुचि और उनके बहुत सारे जो रुकी हुई कार्य या योजना है उनके अंदर भी उनको सफलता प्राप्त करवाएंगे, और योजनाबद्ध तरीके से वो आगे और आगे ये साल बढ़ने वाले हैं, और ये साल जो भी अटके हुए काम है वो तेज़ी से सफलतापूर्वक उनको प्राप्त होने वाले हैं। साथ में राहु और केतु यह वर्ष दशम और चतुर्थ भाव में रहने की वजह से हो सकता है कि शरीर के अंदर कुछ शारीरिक कमजोरी वगैरह दे सकता है, हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा नरम गरम रहने वाला है। और इस साल जो मिथुन के जातक हैं तो शायद इनके माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी थोड़े से इनको सावधान रहना जरूरी है। और ये वर्ष की जो शुरुआत है वो सूर्य मंगल सप्तम भाव में होने की वजह से वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़े से उतर चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ में बुध और शुक्र छठे भाव में स्थित होने की वजह से खर्चे भी बहुत सारे कराएंगे। लेकिन जो शुक्र जो खर्चा कराता है तो बुध और शुक्र है तो वो ज्योतिष के अंदर योग अध्याय के अंदर बुध आदित्य योग यानी लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है, तो जब भी खर्चा करेंगे तो इसे दुगना आप रिफंड भी प्राप्त भी कर लेंगे। तो स्वास्थ्य के तरीके से थोड़ा सा चिंतित रहने वाला है, लेकिन धन की तरह से संभाल के खर्च करना, ये छठे स्थान के अंदर शुक्र और बुध विराजमान होने की वजह से कहीं ज़्यादा व्यय कराने के चांसेस, यानी खर्चा बढ़ेगा, खर्चा इनकम, हाँ इनकम तो रहने वाला ही है लेकिन बिना वजह का खर्चा शायद, क्योंकि मन वायु की तत्व होने की वजह से, चंचलता की वजह से जो खर्च है वो शायद इस साल बढ़ने वाले। अभी हम ये जानेंगे कि अगर हेल्थ से रिलेटेड या कार्य से रिलेटेड जल्दी से जल्दी हमें सफलता प्राप्त हो तो भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, विष्णु की, और विष्णु का जो स्वरूप है वो कृष्ण, उसके भी आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। और आर्थिक चुनौतियों से बचने के लिए मंगलवार के दिन अगर आप अनार का पौधा कहीं लगाते हो तो आपको आर्थिक तौर के अंदर बहुत सारा लाभ, सफलता प्राप्त होने के चांसेस है। और फैमिली से रिलेटेड अगर किसी को हेल्थ से, माता पिता से रिलेटेड हेल्थ आरोग्य के अंदर कष्ट आ रहा है तो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र करके आता है, उसका पाठ करेंगे तो भी आपको बहुत सारी समस्याओं से समाधान मिल सकता है।
इस तरह से सामान्य तौर पे मिथुन राशि का भविष्य इस तरह रहने वाला है, यानी है नरम गरम ही है, यानी माता पिता के हेल्थ से रिलेटेड नरम गरम रहने वाला है, तो वो चीज़ में ध्यान रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है कर्क राशि। कर्क राशि, भगवान रामचंद्र की लग्न कुंडली भी कर्क राशि की है, तो इतने सालों के बाद भगवान विराजमान मंदिर के अंदर हुए रामलला, और कर्क राशि जल तत्व की राशि है, तो सामान्य तौर पर बुध और शुक्र कर्क के पांचवें भाव में विराजमान होने की वजह से प्रेम और आर्थिक की तरह से उन्हें बहुत सारी सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी का विवाह से रिलेटेड, प्रेम विवाह से रिलेटेड कहीं अटक रहा है कार्य, तो उनको उसमें भी सफलता प्राप्त मिलेगी। साथ में सूर्य और मंगल छठे भाव में और शनि आठवें भाव में होने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी की समस्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये सामान्य प्रिडिक्शन है, इन जनरल है, लेकिन अगर किसी के जन्म समय के हिसाब से शनि महाराज उच्च का है तो बहुत सारे सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल सामान्य भविष्य बता रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति गुरु महाराज दसवें स्थान में विराजमान होने की वजह से कैरियर और फैमिली लाइफ और परिवार से संतुलित बनाने के लिए बहुत मददगार रहेंगे, और 1 मई में 11 भाव में जाने की वजह से आमदनी की इनकी बहुत सारी वृद्धि भी होने वाली है और धर्म कर्म के मामलों में ज़्यादा रुचि प्राप्त होने वाली है। राहु की मौजूदगी 9वें भाव में होने की वजह से ज़्यादा करके तीर्थ क्षेत्रों पे घूमना, विशेष नदियों के अंदर घूमना, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, तो ऐसे सारे पवित्र नदियों में स्नान करने का भी मौका मिल सकता है और धार्मिक तीर्थ क्षेत्रों में भी जाने का मौका भी मिल सकता है और शायद लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती है। कुल मिला के इस वर्ष आपको यात्राओं से भरी रही है, और साथ में पिताजी का स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा जरूरत है। व्यापार के अंदर तो उतार चढ़ाव के जो योग बन रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आमदनी भी बहुत सारी बढ़ने वाली है, तो कोई हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, और इस साल बहुत सारी सफलता भी प्राप्त होगी। और जन्म समय की कुंडली के ऊपर अगर किसी का राहु बलवान है तो शायद चंद्र राशि के लोगों को विदेश यात्रा भी संभव है, तो इस तरह से सामान्य भविष्य हम कर्क राशि का कर रहे हैं। रेमेडी क्या है इसमें, कुछ ज़्यादा फायदा हो कर्क वालों को? देखो, रेमेडी तो हम हर राशि के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रेमेडीज़ के अंदर अगर बजरंग बाण हनुमान जी का जो स्तोत्र है, तो बजरंग बाण का पाठ करने से ज़्यादा करके अपने जन्मदिन के समय, जिस दिन जन्म हो उस दिन अगर बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो पूरा साल उनके लिए अच्छा जाने वाला है, और शायद उस दिन शक्यता हो सके, ऐसा नहीं होता कि हर एक को पॉसिबल होना जरूरी है, लेकिन पॉसिबल हो सके तो दीप दान करना जरूरी है। दीप दान यानी किसी भी तीर्थ क्षेत्र या मंदिर के अंदर दियों से उनको दिए प्रज्वलित करना है। लेकिन अगर आपके घर के अंदर जन्मदिन के अंदर कुछ नहीं तो एक भी दिया जलाएंगे भगवान के सामने और बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो ये साल उन्नति पूर्वक आपको सफलता होने वाली है। और किसी को आरोग्य से रिलेटेड अगर कष्ट है तो एक छोटा सा एक आपको उपाय बता रहा हूँ कि आरोग्य से रिलेटेड जहाँ पे शनि महाराज होते हैं तो उनकी जो छोटी सी उंगली होती है, पैर की छोटी सी उंगली, वहाँ पे सरसों का तेल से मालिश करें या सरसों का तेल वहाँ पे चढ़ाएं और चींटियों को आटा वगैरह खिलाएं, लेकिन इसके साथ आटे के साथ चीनी मिश्री शक्कर मिला के अगर चींटियों को आटा खिलाते तो हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्या आ रही है तो उसमें भी आपको समाधान और सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे राशि है सिंह। सिंह राशि को राजा राशि कही गई है और अग्नि तत्व की राशि है,
और अग्नि तत्व की राशि है, साथ में शनि महाराज सप्तम भाव में विराजमान है, तो व्यापार के अंदर बहुत सारी वृद्धि उनको प्राप्त होने वाली है और दाम्पत्य जीवन के अंदर भी उनको बहुत सारी अनुकूलता प्राप्त होने वाली है। अगर किसी का दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है तो इस साल अवश्य दाम्पत्य जीवन सुखीमय और संतोषमय जाने वाला है। और इस तरह जीवन के अंदर अनुशासन रखने के लिए ये जो वर्ष है वो काफ़ी शनि महाराज की वजह से लाभदायी रहने वाला है। हो सकता है लंबी लंबी यात्राएं इस वर्ष हो सकती है उन्हें, या तो विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है। गुरु महाराज मई की एक तारीख से नौवें भाव में होने की वजह से अगर उनके निर्णय के अंदर कहीं अक्षमता है तो निर्णय के अंदर उनको बहुत ही स्ट्रांगनेस, डिसीजन मेकिंग पावर उनका स्ट्रांग हो सकता है। संतान संबंधी भी उनको अच्छे सारे समाचार मिल सकते हैं। अगर किसी की संतान की शादी नहीं हो रही तो शायद इस साल संतान की शादी भी हो सकती है। और इसके साथ धर्म दान वगैरह इसके अंदर भी काफ़ी सारी रुचि रहने वाली है। और राहु महाराज आठवें भाव में पूरे साल विराजमान होने के, अष्टम यानी मृत्यु भाव होता है, तो अष्टम स्थान में राहु महाराज जब विराजमान होते हैं तो ज़्यादा करके वाहन चलाते वक्त सिंह राशि वालों को सावधानी रखनी बहुत ही जरूरी है। और स्वास्थ्य की तरफ से भी परिवार के अंदर मंगल योग बन रहा है और जीवन साथी व्यवसायिक और लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से भी संबंध बहुत सारे अच्छे रहने वाले हैं। और कुल मिला के ये साल इनको अनुशासन और स्वास्थ्य के हिसाब से ध्यान देने के साथ बहुत ही सफलतापूर्वक इनको प्राप्ति होने वाली है। अच्छा, में और एक है कि जैसे हम हर राशि के पीछे उपाय बताते हैं तो ये हमारी जो राशि है सामान्य राशि है, लेकिन अगर किसी की सिंह राशि के अंदर कुछ अड़चनें आती है या कुछ समस्याएं आती हैं तो इसके लिए आदित्य हृदय करके स्तोत्र है सूर्य का, अगर रोज प्रतिदिन सवेरे उठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उनके बहुत सारी सफलता भी प्राप्त हो सकती है। और शनिवार के दिन छायादान करने का ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो छायादान में बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने शरीर के हिसाब से किसी को कपड़ा भी दिया जा सकता है, या कबीरदास जी ने तो ऐसा कहा है कि सबसे पहले जो श्रेष्ठ जो दान है वो अन्नदान और वस्त्रदान है, तो अगर छायादान की बजाय अन्न और वस्त्रदान करेंगे तो भी काफ़ी सारी समस्या से आप बच सकते हैं। और अगर राहु की वजह से कुछ परेशानियां आ रही है सिंह राशि वालों को तो बुधवार के दिन शाम के वक्त मंदिर के अंदर जाके और काले तिल अर्पण करेंगे जहाँ पे काल भैरव का मंदिर हो, तो काल भैरव के मंदिर के अंदर अगर काले तिल चढ़ाते हो तो भी बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो सवेरे के वक्त शंकर के मंदिर के अंदर अपनी मुट्ठी के बराबर काले तिल लेके शंकर के ऊपर ओम महारुद्राय नमः जप करके अगर तिल चढ़ाएंगे काले तिल तो भी बहुत सारी समस्या से आप बच सकते हैं। क्या बात है, अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपनी राशि आ रही है कन्या। कन्या राशि है ये पृथ्वी तत्व की राशि है और शुरुआत में शनि महाराज इनके छठे भाव के अंदर विराजमान है, तो गोचर की वजह से छठे भाव में विराजमान अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को देखते हैं तो इनको हेल्थ से रिलेटेड, रोगों से रिलेटेड उनको सावधानियां रखनी बहुत ही जरूरी है और शारीरिक समस्या और परेशानियां भी उनकी बढ़ सकती है। नौकरी के क्षेत्र में शनिदेव उनको बहुत सारी अच्छी सारी सफलता प्राप्त कराएंगे, विदेश जाने का भी उनका सफल योग बन रहा है, भाई बहनों से संबंध वो भी उनका अच्छा रहने वाला है। और वर्ष के पूर्वार्ध यानी एक मई तक गुरु अष्टम भाव में और उसके बाद नौवें भाव में स्थित होने की वजह से
धर्म कर्म में भी काफ़ी सारी उनकी रुचि बढ़ने वाली है और इस समय के दौरान शायद उनकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है और उनकी संतान संबंधित अगर कुछ समस्या चल रही है तो 1 मई के बाद संतान से अच्छी खबर भी मिल सकती है और शुभ समाचार वगैरह भी मिल सकता है। और किसी प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट औरत है, तो शायद उनके घर संतान भी आ सकता है। और किसी का संतान नहीं रहा है, कंसीव नहीं हो रहा है, तो शायद इस साल कन्या राशि वालों को संतान कंसीव होने की भी चांसेस है। और राहु केतु सप्तम भाव में होने की वजह से इनको हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है और ऑल ओवर विदेश की तरफ भी इनकी यात्राएं हो सकती है। अगर सूक्ष्म से गणना की जाए तो हर एक राशि का अलग अलग इफेक्ट होता है, तो ये जो हम बता रहे हैं ये एक कॉमन है। तो अगर किसी को पर्टिकुलर अगर कुछ समस्या आ रही है या नहीं आ रही है तो सबसे बढ़िया बात है, लेकिन अगर समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का समाधान के लिए बुधवार के दिन किसी मंदिर के अंदर काले तिल का दान करना चाहिए और शनिवार के दिन पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का पेड़, उसके नीचे सरसों का दीपक संध्या के समय जलाना चाहिए। और जो दीपक होना होता है वो मिट्टी के दिए के अंदर आप सरसों के तेल से जलाएं तो उनको बहुत सारी अड़चनों समस्याओं से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर इसके साथ अथर्व शीर्ष का पाठ करते गणपति का साल भर, तो इनको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलके और आगे उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए इनको मार्ग प्रदान होगा। और एक इसमें है कि जैसे हम लोग डायग्नोसिस में रंग सूत्र कहते हैं, तो रंग सूत्र के हिसाब से अगर गुरुवार के दिन हो सके तो भूरी रंग की गाय को हल्दी से लगी हुई रोटी खिलाएं तो बहुत सारी सफलता भी उनको प्राप्त हो सकती है। पॉसिबल है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो गाय को आप थोड़ी सी हल्दी मिश्रित रोटी भी खिला सकते हैं, लेकिन अगर भूरी रंग की गाय मिली तो सबसे ज़्यादा हाँ मिलना ज़रूरी है सर। उसके आगे बढ़ते हैं, अभी आ रहे हैं तुला राशि है, वो बैलेंस की राशि है, तो वो कुछ भी बात करती है तो न्यूट्रल बात करती है। अच्छा, बैलेंस करके एकदम किसी को बुरा भी ना लगे और किसी को ज़्यादा अच्छा भी नहीं, में रहो जो है उनके बीच वो न्यूट्रल बात करते हैं। तो इस साल जो तुला राशि के जातक है उनको शनि 5वें भाव के अंदर विराजमान है, सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव के अंदर पूर्ण दृष्टि कर रहे हैं और गुरु 1 मई से इनको सप्तम भाव में जाने की वजह से ये वर्ष आर्थिक रूप से उनको उन्नतिवान बनाने वाला है और इस वर्ष नए नए व्यापार संबंधी भी उनको बहुत सारी उनको सफलताएं भी प्राप्त होगी और बहुत सारी उनको संधि भी प्राप्त होने वाली है। और इनका व्यापार के अंदर वृद्धि करने का या व्यापार को आगे बढ़ाने का इस साल उनको बहुत अच्छा योग बन रहा है और मन के अंदर मीठी वाणी से संकल्प लेके अगर ये खुश रहेंगे तो ये पूरा साल तुला राशि वालों के लिए उन्नतिपूर्वक साबित होने वाला है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक तरफ से भी और जिम्मेदारियों से भी उनको बहुत सारी सफलता प्राप्त होगी, फुल पॉजिटिविटी है। फिर भी अगर ये तो सामान्य है, लेकिन अगर कुछ ग्रह नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो शनि का स्तोत्र पढ़ने से उनको लाभ प्राप्त हो सकता है और या तो ओपल रत्न धारण करेंगे तुला राशि वाले तो भी उनको बहुत सारी चीज़ों के अंदर सफलता प्राप्त होगी। और मंगलवार के दिन तिकोनी झंडा बना के अगर
किसी भी भगवान के मंदिर में रखेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। और ज़्यादा करके अगर तुला राशि वाले ये साल भैरव की पूजा करेंगे या भैरव का स्तोत्र पढ़ेंगे तो और भी उनको अधिक सफलता प्राप्त दिलाने वाला हो सकता है। भैरव यानी कौन सा भैरव सर? भैरव के अंदर ऐसे तो 64 प्रकार के भैरव बताए गए हैं, लेकिन आम तौर पे जो पूजा होती है तो वो ज़्यादा करके काल भैरव की पूजा होती है। तो भैरों के अंदर जो काल भैरव और बटुक भैरव दोनों का कैसे हम समझ सकते हैं? तो जो श्वेत रंग के होते हैं वो बटुक भैरव होते हैं और जो काले रंग के होते हैं वो काल भैरव होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है भैरों का, वो कभी लेंगे, लेकिन हम फिलहाल अब नेक्स्ट राशि की तरफ चलेंगे। वृश्चिक राशि है नेक्स्ट। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, जैसे हमने कर्क राशि है तो वो जल तत्व की है, लेकिन कर्क राशि के अधिपति जो ग्रह हैं वो चंद्रमा है तो मन के ऊपर ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि के जो अधिपति ग्रह हैं तो मंगल है। और मेष के जो राशि के मंगल है वो गर्म स्वभाव बताते हैं, उग्र स्वभाव, लेकिन वृश्चिक राशि के अंदर जो मंगल है वो जल तत्व के होने की वजह से वो सारे लोगों से मिलजुल के रहने वाले बताते हैं, लेकिन उनकी जो एक वृत्ति होती है वो वृश्चिक की तरह पीछे से डंक मारने की होती है, क्योंकि वो जल तत्व की राशि है, ये एक कुदरती गुण है उसके अंदर है। लेकिन आइए हम सामान्य भविष्य जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए, कि शुक्र और बुध इन साल इनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं, और साथ में मेष और सप्तम भाव और तीसरे भाव पे गुरु की दृष्टि भी है, राहु महाराज पंचम स्थान में विराजमान है, तो आम तौर पे आर्थिक तौर पे उनको उन्नति की आगे और आगे उन्नति भी होने वाली है, और उनकी जो 10 दिशाओं से उनका समय परिवर्तन होने वाला है और प्रगति के पंथ की तरफ ये ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इस साल अगर कोई विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है, तो वो थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर कमज़ोर रहने वाले हैं, तो ये विशेष ध्यान रखें कि पढ़ाई के लिए ज़्यादा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे करें, फोकस रखें। और इसके साथ वर्तमान व्यवसाय है तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये साल वृश्चिक राशि वालों के लिए फेवरेबल है और अच्छा जाने वाला है और साथ में सफलता दिलाने वाला है। और शायद अगर किसी का शादी नहीं हुई है या शादी होनी बाकी है वृश्चिक राशि वालों की, तो ये साल शादी का भी योग उनका बन रहा है, तो हो सकता है ये साल उनको जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। जिस तरह फिर से हम उपाय पे भी जाएंगे कि अगर किसी के ग्रहमान आगे पीछे चल रहे हैं, कि इसके अंदर विद्यार्थियों को हमने बताया कि विद्यार्थियों के लिए ये साल थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर कमज़ोर जाने वाला है, तो शनिवार के दिन अगर शनि मंदिर के अंदर जाके शनि भगवान की आराधना करेंगे तो विद्या से भी उनको सफलता प्राप्त होगी। और अगर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और शुक्रवार के दिन दुर्गा को खीर का भोग नैवेद्य चढ़ाएंगे तो भी इनके लिए हितकारी साबित होने वाला है। दुर्गा इसके लिए कि दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्ग मर्च्छदिनी, दुर्ग शादिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गत्व द्वारिणी, कि अगर ये साल वृश्चिक राशि वाले दुर्गा देवी की पूजा करेंगे तो हर एक तरह से उनको सफलता प्राप्त हो सकती है, चारों ओर से उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु अग्नि तत्व की राशि है, इसमें हम आपको जो राशियों के उपाय जो बता रहे हैं, तो उपाय यानी क्या है? राशि के साथ उपाय बता रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्स्टिट्यूट मेडिसिन, इसको रेमेडीज भी बोली जाती है कि अगर पर्टिकुलर कुछ डिसीज है तो उसके लिए अगर वो मेडिसिन ली जाती है तो
हम क्योर हो सकते हैं। तो राशियों के अंदर भी ऐसे है कि इनके जो पर्टिकुलर गॉड है, अगर उनके साथ उनकी आराधना करने बैठेंगे तो हमें जो ग्रहों से कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, तो वो कॉस्मिक एनर्जी अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो कट होके पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर इनपुट होती है। और ऐसा नहीं है कि विग्रह यानी किसी भी मूर्ति को अगर हम पूजा करते हैं तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो जो मूर्ति होती है तो उसके अंदर भी एक जीव होता है जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं। और ये जो कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से आती है, सौर एनर्जी, जैसे हमने देखा है कि अगर कहीं बहुत सारे ऐसे देहाती गाँव है तो वहाँ के बिजली की समस्या है, तो आजकल नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिसको हम सोलर बोलते हैं। अगर वहाँ पे सूर्य के द्वारा सूर्य की किरण अगर सोलर पैनल पे जाते हैं तो बिजली स्टोर होती है और हम वो बिजली चला सकते हैं। तो ये उपाय भी है, वो इसी तरह है कि सूर्यमंडल से जो हमें एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी कहीं नेगेटिव आ रही है, कहीं पॉजिटिव आ रही है। तो जो उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होकर हमें बेनिफिट देती है। तो इसके लिए हम हर राशि के साथ उपाय भी बता रहे हैं। तो आइए सामान्य राशिफल देखते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो गुरु महाराज ये पंचम स्थान में विराजमान होने के साथ में इनका जो मित्र ग्रह मंगल मेष राशि में स्थित रहने के साथ नवम एकादश और प्रथम भाव को भी देख रहा है, तो इनको जीवन के अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं तो हमें बहुत सारा नुकसान भुगतना पड़ता है, लेकिन यह साल उन लोग के लिए निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है और निर्णय उनके डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग रहने वाले हैं। बुद्धि के विकास के अंदर भी यह सही दिशा है। तो जो स्टूडेंट्स वगैरह शिक्षा वगैरह ले रहे या जो जॉब करके शिक्षा प्राप्त कर रहे, बहुत आजकल तो शिक्षा का एक माध्यम है ऑनलाइन स्टडी, तो जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है और उनके अंदर भी उनको सफलता प्राप्त होगी। साथ में इनके जन्म स्थान से रिलेटेड भी उनकी यात्राएं होने वाली है, छोटी मोटी यात्राएं भी उनकी सतत रहने वाली है। और मई के अंदर गुरु छठे स्थान में विराजमान होने की वजह से खर्चों के अंदर भी उनकी बढ़ोतरी होने वाली है। और ये साल जो धनु राशि है तो उनको पेट विकार से रिलेटेड सावधानी रखनी ज़्यादा जरूरी है, हो सके तो जंक फूड वगैरह अवॉइड करें और शुद्ध और खाना अगर खाएंगे तो उससे भी बच सकते हैं। मान सम्मान की वजह से ये साल उनके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पे देखने को जाएंगे तो थोड़ा ध्यान रखना उनको ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि छठे स्थान के अंदर इनके गुरु विराजमान होने वाले हैं। और आम तौर पे ये साल धनु राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि खुद अपने दम पे ऊपर अपना भविष्य बनाने वाले इस तरह के ये साल इनके योग हो रहे हैं। हमें फिर से वही उपाय के ऊपर आएंगे कि अभी पूछने वाला था, ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि राशि तो हमारी ही है लेकिन हमें फिर भी ऐसे इफेक्ट नहीं मिल रहे, तो उनके लिए फिर से भैरव बाबा को अगर जिलेबी या इमरती जिलेबी अगर उनको चढ़ाएंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा सफलता प्राप्त होगी। और अगर अपने सिर के ऊपर हल्दी या केसर का तिलक लगाएंगे तो सबसे बेनिफिट ये साल पूरा होने वाला है। और हो सके तो गुरुवार का व्रत करें या गुरुवार को एक समय भोजन करें तो भी सफलता, यानी उपवास करना चाहिए, उपवास नहीं एक आधा दिन हमारे पेट की जो चक्की है उसको रेस्ट देना होता है। अच्छा, आराम करना है। आराम करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मकर राशि है अभी जी।
मकर राशि के लिए ये जो साल है वो खुशहालियों से भरा हुआ साल है और खुशहाल है। कैरियर में भी उन्नति होने वाली है और संतान से रिलेटेड वो भी उनको सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति की भी है और प्रेम संबंधी है तो वो भी उसके अंदर उनको सफलता मिलने वाली है। और ये साल इनको आमदनी है वो उछल उछल के मिलने वाली है, यानी आमदनी उनको दुगनी मिलने वाली है। और राहु महाराज तृतीय भाव में रहने, पराक्रम में रहने की वजह से व्यापार के अंदर ओवर रिस्क लेना, वो संभाल के रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि पराक्रम स्थान में राहु होने की वजह से कभी कभी हमें कुछ ज़्यादा ही रिस्क लेने पे मजबूर करता है, या तो ज़्यादा रिस्क हम ले लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में जाके। तो ओवर कॉन्फिडेंस से संभाल के रहना बहुत ही जरूरी है। और सामान्य तौर पे कुटुंब के अंदर भी ये उन्नति करने वाला है और विशेष ये साल जो है मकर राशि को अच्छी उन्नति और परिवार के अंदर गर्व और मान सम्मान दिलाने वाला है। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये साल इनको क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है, हो सकता है क्रोध की वजह से कुछ काम बिगड़ सकते हैं। फिर से हम उपाय पे आएंगे। अगर ओपल रत्न पहने तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, या तो पंच धातु की या अष्ट धातु की अंगूठी अगर अपने उंगली के अंदर पहनते तो भी उनके लिए बहुत सारा सफलता प्राप्त होने वाली है। और शनि का स्तोत्र पढ़ेंगे तो भी बहुत सारा इनको सफलता प्राप्त, ये साल के लिए जरूरी है सफलता प्राप्ति के लिए। गणेश चतुर्थी का व्रत भी कर सकते हैं, जैसे गणपति चौथ है या तो फिर अंगारी का व्रत होता है, मंगलवार के दिन गणेश चौथ आती है। साल में शायद एक या दो बार अंगारी का आती है, लेकिन हर महीने गणेश चतुर्थी आती है तो उसका व्रत करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से इनके सफलता वगैरह प्राप्त हो सकती है। और इसके आगे क्या है, कुंभ राशि है नेक्स्ट। कुंभ राशि वालों के लिए वायु तत्व की राशि है, तो प्रथम स्थान के अंदर जो है शनि महाराज इनको बहुत सारे शुभ परिणाम देने वाले हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि शनि महाराज नेगेटिव इफेक्ट देता है, लेकिन शनि महाराज पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा देता है। लेकिन हमारे कर्म के न्यायाधीश होने की वजह से सब लोग शनि से डरते हैं, लेकिन हम जो कार्य करते वो कितनी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं या कितनी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे तो उन कार्य की सफलता देने वाले शनि महाराज है। तो 9 ग्रह के अंदर और 12 राशियों में शनि को न्यायाधीश प्रधान ग्रह माना गया है। तो इस साल कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत सारी सफलता देने वाला है और बहुत सारे शुभ परिणाम भी इनको मिलने वाले, और जीवन के अंदर उनकी मेहनत द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उन्नति उनको प्राप्त होने वाली है, और साथ में इनकी आमदनी के अंदर भी बढ़ोतरी होने वाली है। वैवाहिक जीवन में भी इनकी समस्या जो हो रहेगी वो भी दूर होने वाली है, और व्यापार के अंदर भी वृद्धि होने वाली है। और इनको स्वास्थ्य से अष्टम भाव के अंदर राहु केतु दूसरे और अष्टम भाव में विराजमान होने की वजह से स्वास्थ्य के अंदर ध्यान देना जरूरी है, और कुछ भी उल्टा सीधा खाना या भोजन करना इनके लिए नुकसानकारक हो सकता है। फूड पॉइजन से रिलेटेड इनको अवॉइड करें, तो फूड पॉइजन से रिलेटेड इनको ये साल का योग बन रहा है। फिर से हम वही उपाय के ऊपर ही जाएंगे कि अगर लोबान, लाल चंदन और देवदार ये आयुर्वेदिक दुकान में भी मिल जाएंगे, इनका पाउडर जल के अंदर मिला के अगर स्नान करें तो ये साल बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। और अगर ये हम उपाय नहीं कर पाते और किसी कारणवश हमें ये नहीं मिल रहा है तो मंगलवार के दिन गणपति को ओम गम गणपतये नमः का मंत्र जाप करके जासवंत का फूल और दुर्वा चढ़ाने से भी बहुत सारी समस्याओं का हल मिल सकता है और हमारे कार्य की
वृद्धि भी हो सकती है। तो अभी नेक्स्ट पे चले सर, लास्ट मेरे हिसाब से है मीन राशि है। ये 12 राशियों में मीन राशि है। तो ये राशि हम सामान्य राशि भविष्य कंप्लीट करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आपके मन के अंदर ऐसे सवाल पैदा होते रहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र एक्यूरेसी कितनी है उसकी। हाँ, मैं अभी पूछने वाला हूँ सर जी, क्योंकि ये आपने बताया जब जनरली अपने अपने बात की है, सामुद्रिक विज्ञान होता है तो सामने वाले के मन में क्या जिज्ञासा चल रही है। हाँ, तो वो रूलिंग प्लैनेट के ऊपर से हम बता सकते हैं। तो ये कोई जादू का खेल नहीं है, लेकिन साइंस है। तो मन के अंदर क्वेश्चन ऐसा चल रहा है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो ज्योतिष शास्त्र की एक्यूरेसी 70% है। माफ़ी चाहूँगा अगर कोई ज्योतिषी मुझे ये कहे कि 100% एक्यूरेसी है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की एक्यूरेसी 70% है। और जो 30% है वो हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, रेमेडीज़ बता रहे हैं, तो वो रेमेडीज़ करने से 30% हमें बेनिफिट मिलता है। तो सबसे कर्म शास्त्र, कर्म के जो सिद्धांत होते हैं, इसके अंदर महाभारत के अंदर एक प्रश्न था ऐसा कि भीष्म पितामह बाण सैया पे मृत्यु अवस्था के अंदर थे और बाण सैया पे सोए हुए थे और उनको अपनी मन के मुताबिक मृत्यु प्राप्त हो ऐसा उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और उस वक्त दक्षिणायन सूर्य होने की वजह से अपनी मृत्यु नहीं चाहते थे और वो कहते थे कि जब उत्तरायण सूर्य होगा, यानी 14 जनवरी के सूर्य उत्तरायण पक्ष के अंदर जाता है, जैसे आमतौर पर सब महाराष्ट्र के अंदर तो तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला ऐसे प्रथा है, गुजरात वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे प्रथा है कि पतंग वगैरह चढ़ाते, तिल साकड़ी गुड़ वगैरह देते, तो उस वक्त उनकी मृत्यु प्राप्त हो ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। एंड बहुत सारी बातें हुई सर, अब लास्ट वाली एक राशि बची है हमारी मीन, उसको कवर उसके बारे में बताइए सर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो उपाय बताते हैं सब्स्टिट्यूट मेडिसिन यानी रेमेडीज, तो एक्यूरेसी साइंस से रिलेटेड जो है वो 70% एस्ट्रोलॉजी और 30% जो है वो कर्म सिद्धांत। तो हमारे जो कर्म के सिद्धांत है वो हमें रिजल्ट देते हैं। तो इसके लिए हम आपको हर राशि के पीछे जो उपाय बताते हैं, तो अगर आप कर्म करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया कि ये साल आपको लॉटरी लगने वाली है, लेकिन अगर आप वो लॉटरी वाले तक जाएंगे नहीं, जेब से पैसे निकालेंगे नहीं और लॉटरी खरीदेंगे नहीं, तब तक आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। एक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो एक्शन और रिएक्शन होता है, तो जब आप एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन आपको मिलने वाला है। तो उसके लिए एक्शन क्या करना है कि आपको उपाय, तो उपाय के अंदर कर्म सिद्धांत के हिसाब से जी। तो हम ये राशि पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद में आपको छोटी सी इसके बारे में स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि जिसके वजह से कर्म सिद्धांत और ज्योतिष शास्त्र दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं। सिर्फ ज्योतिष शास्त्र काम नहीं करता है, इसके साथ हम जो कर्म करते हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट हमारी लाइफ के अंदर होता है। तो मीन राशि जल तत्व की राशि है और 12 राशियों में से जो लास्ट आखिरी राशि है वो मीन राशि है। मीन राशि के अंदर अगर किसी को कुटुंब से या ससुराल से तकलीफ है या ससुराल से परेशानी है, तो ये साल उन लोग के लिए जो वैवाहिक जातक हैं, जो शादीशुदा हैं, तो इनके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। तो ससुराल से मीठे संबंध बने रहेंगे और अगर कुछ संबंध सुधारने हैं तो ये साल उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा है।
और कैरियर के हिसाब से देखने को जाएंगे तो गुरु महाराज कैरियर से रिलेटेड भी उनको बहुत सारी आगे सफलता दिला सकते हैं। और ये साल उनको मन की शांति दिलाने वाला ये साल रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। और आमदनी भी काफ़ी बहुत सारी बढ़ोतरी इस साल करवाने वाले, लेकिन इनको किसी न किसी माध्यम से अनचाहा खर्चा कहीं ना कहीं उनको होने वाला है, तो उससे रिलेटेड उनको संभाल के रखना है। और विदेश से रिलेटेड अगर किसी को पढ़ाई से जाना है या कैरियर से रिलेटेड जाना है या विदेश घूमने यात्रा करने जाना है तो ये साल उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। और विदेश से रिलेटेड भी उनके योग जो है ये अच्छे बन रहे हैं। अगर अपने किसी क्षेत्र के अंदर कोई प्रतिस्पर्धी है तो प्रतिस्पर्धी के ऊपर विजय प्राप्त करना ये भी साल इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और इसके अंदर एक इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी मित्रों से कही हुई बातें ये साल बुरी लग सकती हैं, तो उससे रिलेटेड भी आपको ध्यान रखना है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि मित्र किससे कहा जाता है, मित्र ऐसो कीजिए जैसे सिर को बाल काट काट के काटिए फिर भी तजे न खाल। तो ऐसे मित्र है, तो कोई मित्र आपको अगर सही सलाह दे रहा है तो शायद आपको बुरा भी लग सकता है। तो बुरा लगने की बजाय आप ये सोचिए कि इसके पीछे उसका कहने का जो भावार्थ या उसका कहने का जो मीनिंग अर्थ क्या हो उसके ऊपर जानकारी आप ज़्यादा रखिए। और निर्णय के तौर पे ये साल मीन राशि वालों के लिए काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। एंड हम आई थिंक उपाय उपाय मीन राशि के उपाय पे हम जाएंगे। हाँ। ये साल मीन राशि को काफ़ी सारी आमदनी बढ़ाने वाला है, तो हो सके तो अगर मीन राशि के जातक या मीन राशि वाली व्यक्ति गोल्ड के अंदर ओरिजिनल पोखराज 3.5 कैरेट के ऊपर धारण करें फर्स्ट फिंगर के अंदर इंडेक्स फिंगर, तो उनके लिए काफ़ी सारा अच्छा हेल्थ के हिसाब से आमदनी के हिसाब से और कैरियर और इसके हिसाब से भी उनको अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर कोई ये नहीं कर सकता है तो शनिवार के दिन शाम के वक्त पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल से मिट्टी के दिए के अंदर अगर सरसों का तेल से दिया जलाएंगे और गुरु का मंत्र बोलेंगे या तो बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम ग्रह गुरुवे नमः, तो भी लाभ देने वाला है। और इतना मंत्र बड़ा शायद कोई नहीं बोल पा रहा है या किसी को अड़चन आ रही है, तो ओम रीम गुरुवे नमः इतना छोटा सा मंत्र भी बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी आमदनी कम है और अगर वो सोने की अंगूठी नहीं बना सकते तो मेरी सलाह ये भी रहेगी कि शायद वो हल्दी की एक गांठ लेके पीले वस्त्र के अंदर बांध के अपने जेब में रखेंगे तो भी उन्हें सुवर्ण के बराबरी सफलता प्राप्त होने वाली है। और इस तरह हमारे जो सामान्य भविष्य 2024 का मेष राशि से लेके मीन राशि तक यहाँ पे हम पूर्ण कर रहे हैं। सर खर्चा आपने बहुत बता दिया है सर, इनकम बढ़े वैसा भी मार्ग बताना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है खर्चे करेंगे तो कमाने की भी ये होनी चाहिए ना सर। खर्चों के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप सोना नहीं ले सकते हो तो हल्दी की गांठ भी पीले कपड़े में लेकिन काम होगा वही काम, लेकिन काम आपका तो होने वाला है। तो सर ये एक्यूरेसी जो हम रेमेडीज आपने बताया या उपाय किया, और ये एक्यूरेसी अगर हम देखते हैं तो आपने बताया 70% होती है और 30% रेमेडीज कर रहे हैं, तो उसका एक्यूरेसी हम लोग कैसे कैसे पता चलेगा कि हाँ एक्यूरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका लॉजिक या उसको साइंस क्या कैसे डिफाइन करेंगे उसको। सर आप जो मुझे बात कर रहे हैं ना इसके लिए
ज्योतिष शास्त्र के जो ग्रंथ हैं तो उन ग्रंथों के अंदर इनका विवरण दिया हुआ है, और कर्म सिद्धांत करके भी एक किताब आती है तो उसके अंदर भी इसका विवरण दिया हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र आपको राह दिखाने वाला मार्ग है, लेकिन आप जो कर्म करते हो ये आपको सफलता दिखाने वाला मार्ग है। तो कर्म एक्शन और रिएक्शन दोनों साथ में काम करते हैं। तो इसके अंदर ज्योतिष शास्त्र जो हम कहते हैं कि 70% एक्यूरेसी, मैं क्षमा चाहूँगा कि हमारे कोई भी ज्योतिष भाई रहेंगे तो अगर उनको बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा में दीजिएगा, क्योंकि अभी भी 100% साइंस हम कहते हैं, 101% साइंस करेक्ट है, लेकिन एक्यूरेसी के मामले के अंदर ज्योतिष शास्त्र 70% ही एक्यूरेसी इसकी आ रही है। और ये मैंने नहीं कहा है, हमारे शास्त्र के सारे ग्रंथों आप पढ़ेंगे तो वो ग्रंथों के अंदर भी उसका उल्लेख दिया है। तो वो ग्रंथों के अंदर एक हमारे जो गुरुदेव में जिनसे ज्योतिष सीख रहा था तो उन्होंने मुझे कथा कही थी, तो मैंने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि मैं तो ज्योतिष में मानता नहीं हूँ लेकिन फिर भी ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा हूँ और सबको मैं गाइड भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस वक्त समझाए थे कि ज्योतिष के साथ कर्म सिद्धांत है वो भी काम करते हैं, तभी उन्होंने बताया कि ज्योतिष 70% है और कर्म 30% है, एंड टू एंड है। तो एक राजा थे, वो राजा के वहाँ एक राज ज्योतिषी रहते थे, और राज ज्योतिषी इतने विद्वान थे कि उनका कहा हुआ एक एक शब्द सही होता था। तो उनके घर पे संतान की प्राप्ति हुई, लड़का उनके घर पे जन्म लिया, तो खुद तो ज्योतिषी थे तो उन्होंने अपने लड़के की जन्म कुंडली बनवाई, और जन्म कुंडली बनाते वक्त उन्होंने एक उन्हें ये ध्यान आया कि इस लड़के की अगर शादी जिस दिन होगी उसी दिन इसकी मृत्यु होगी। अभी ज्योतिषी थे तो अपने शास्त्र पे पूर्ण भरोसा था, और शास्त्र सही है, गलत कहीं भी नहीं है, सिर्फ शास्त्र को इस्तेमाल करने वाले लोग गलत है, लेकिन शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र को यूज़ करने वाले लोग गलत है। तो उनका जो लड़का था वो विवाह के योग्य हो गया लेकिन वो शादी नहीं करवा रहे थे, और उनके मन के अंदर एक ही डर था कि मेरे लड़के की शादी होगी और उसी दिन लड़के की मृत्यु होगी। तो लड़का उम्र के अंदर भी बड़ा होने लग रहा था, और ये बात जो राजा तक पहुंची कि आपके जो राज ज्योतिष है वो अपने लड़के की शादी नहीं करवा रहे, तो राजा ने उनको फरमान किया कि तेरी लड़के की शादी करा या तो मेरा राज ज्योतिषी का जो पद है आप वो छोड़ दीजिए। राज्य फरमान था तो उन्होंने उनको स्वीकार करना पड़ा, लेकिन मन के अंदर उनको एक दुख वही हो रहा था कि जैसे मेरे लड़के की शादी होगी उसी रात उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिस कन्या से उसके लड़के की शादी करवाई तो वो कन्या धार्मिक वृत्ति की थी और धार्मिक परिवार से आती थी, तो दोनों की शादियाँ हो गई, अपने महल के अंदर दोनों जन आए और राज ज्योतिषी यानी पिताजी को लड़का और बहू पैर पड़े, लेकिन राज ज्योतिषी को कोई भी लड़के की शादी की खुशी नहीं थी, तो दुखी मन के अंदर आशीर्वाद देने के लिए भी सोच रहा था कि मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि सौभाग्यवती भव, क्योंकि लड़के की आयुष्य नहीं है, और मन के अंदर खुद दुखी हो रहा था और आँख से उनके आंसू बहने शुरू हो गए, और मन में सोचने लगा कि ये मेरी जो बहू है दुल्हन के रूप में, अभी तो मैं इनको मेरे बेटे और उन दोनों को देख पा रहा हूँ, लेकिन कल सवेरा होगा तो मैं इसको विधवा के रूप में देखूंगा। तो मन के अंदर वो भी उनका दुख हो रहा था,
तो जैसे दोनों जन, उनका लड़का और बहू, अपने महल के अंदर गए और जरूखे के अंदर बैठे थे खिड़की के पास। तो दोनों धार्मिक वृत्ति के थे, तो एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को जान सके इसके लिए बात कर रहे थे। तो इतने में ऐसा हुआ कि कहीं से किसी स्त्री की रोने की आवाज़ आई। तो लड़की जो बहू थी, तो उन्होंने कहा कि पतिदेव आप सो जाइए, मैं ये जो दुखियारी कोई स्त्री है, पहले मैं उनसे पूछना जानना चाहूँगी कि क्या है और हकीकत क्या है और वो क्यों रो रही है। तो जैसे ही उनके जो पति थे वो तो शयनखंड के अंदर सोने के लिए चले गए, दासियों को बुला के दासियों को फरमान किया कि सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त कीजिए कि ये कौन रो रहा है और कहाँ से रो रहा है और क्यों रो रहा है। तो दासियाँ सारी जानकारी लेके आई, तो उन्होंने कहा कि एक पेड़ के नीचे, हम इंग्लिश में कहते हैं लेबर पेन, प्रसूति की वेदना उनको हो रही है औरत को, और वो प्रसूति की वेदना की वजह से तड़प के उनके रो रही है और उसको चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। धार्मिक युवती थी, तो उन्होंने अपनी दासियों को फरमान किया कि आप जो भी स्त्री है उसको अपने महल के अंदर लेके आइए। जैसे महल के अंदर लेके आए उन्होंने, तो अच्छी तरीके से उनकी डिलीवरी भी करवाई, उनको गर्म पानी से नहलाया भी, खाने के लिए उनको भोजन वगैरह दिए, पहनने के लिए उनके अच्छे सारे वस्त्र दिए, रहने के लिए उनको स्थान दिया, और उनके जो जो भी तैयारियां करनी चाहिए बच्चे आने के बाद, तो वो सारी फॉर्मेलिटी यानी सारी तैयारियां सभी दास दासियों को फरमान जारी करके सारी उनकी क्रियाएं वगैरह पूर्ण कराई। उतने में ऐसा हुआ कि सूर्य का उदय हो रहा था, भोर जो हम बताते हैं, सूर्य उदय हो रहा था। तो उनको ये ध्यान आ गया कि आज तो मेरी शादी हुई है और आज का पहला ही दिन है और सुहाग रात है और मैं शायद मैं पति को छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। तो उन्हें ये ध्यान आया कि आज का तो दिन हमारा महत्व का दिन था, लेकिन मैंने इसकी सेवा के अंदर सब व्यस्त कर दिया है। तो उन्होंने जो स्त्री थी उसको कहा कि आप मुझे माते मुझे माफ़ कीजिए कि आज मेरी शादी हुई है और मैं आपकी सेवा के अंदर लगी रही, तो शायद मेरे पति मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और सवेरे होने वाली है तो शायद वो जाग भी जाएंगे, तो इससे पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ तो अच्छा रहेगा। और उन्होंने अपने सभी दासियों को फरमान किया और उन्हें ये भी कहा कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मेरे दासियों से बात कीजिए, तो मेरी दासियां आपकी सेवा के अंदर आपके साथ हमेशा रहने वाली है। और उस वक्त उन्होंने वो जो स्त्री थी उसको उन्होंने पैर छुए, तो जैसे उन्होंने पैर छुए तो वो स्त्री के मुख से निकल गया कि सौभाग्यवती भव, कि तू अखंड सौभाग्यवती रहो। तो उसका वहाँ पे बोलना, और जो उनके पिताजी ने प्रिडिक्शन किया था कि उसी रात को बच्चे की मृत्यु होने वाली है, तो वहाँ से जो नाग था वो खिड़की से अंदर जा रहा था, जो उनका लड़का सोया हुआ था राज ज्योतिषी का, उसको दंश देने के लिए। लेकिन यहाँ पे उनका आशीर्वाद मुँह से निकलना कि अखंड सौभाग्यवती भव, और वहाँ पे हवा का चलना और खिड़की बंद हो गई। तो यहाँ से जल्दी से अपने महल के अंदर गई और महल के अंदर जाके उन्होंने देखा तो नाग आधा कटा हुआ खिड़की में लटक रहा है और आधा खिड़की के अंदर गिरा हुआ है, तो उसके मुंह से चीख निकल गई। राज ज्योतिषी को पूरी रात नींद नहीं आई थी, उसने सारी अंत्येष्टि यानी मृत्यु की सारी तैयारियां करके रखी थी और सारे सब
जितने भी जो संबंधी थे उन सबको बता के रखा था कि मैं किसी भी वक्त आपको बुलाऊंगा तो आप बिना व्यक्त बिना समय गवाए आप जल्दी से यहाँ मेरे महल के अंदर आ जाइए। और जैसे वहाँ पे उनकी चीख सुनी तो उनको लगा कि मेरा लड़का मृत्यु हुई उसकी गुजर गया। तो उन्होंने सारे लोगों को बुला लिया और इकट्ठा कर दिया और यहाँ पे आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा बीत गया लेकिन दोनों जैन अभी तक नीचे आए नहीं थे। और जैसे दो घंटे बीत गए तो उन्होंने देखा कि अपनी जो बहू बेटे के साथ हंसते हंसते जो दुल्हन की तरह कपड़े पहन के आ रही थी और दोनों जैन हंसते हंसते हुए नीचे आए। तो ये बात सुन के उन्होंने जो दृश्य देखा तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रहूं क्योंकि मेरा ज्योतिष गलत नहीं है तो ऐसा क्यों हुआ। अभी ये जो बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई तो राजा भी सोचने लगा कि राज ज्योतिषी कभी झूठ बोलता नहीं है और अभी तक जितने भी उसने ज्योतिष के जो उसने फलादेश उसने जो भी फल बताए वो सारे सत्य हुए तो ये ऐसे गलत क्यों हुआ। तो उन्होंने राज ज्योतिषी को अपने महल के अंदर बुलाए और सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और जितने भी ज्योतिषी थे वो सारे ज्योतिषियों को वही पत्रिका सभी को दिखाई गई। ज्योतिष शास्त्र के अंदर चाणक्य ने कहा है कि तुंडे तुंडे मति भिन्ना कि हरेक का अपना अपना अभ्यास है और हरेक अपने अपने अभ्यास के मुताबिक फलादेश बताता है। लेकिन उस दिन जितने भी ज्योतिषी थे वो सारे ज्योतिषियों का एक ही कहना था कि शादी के दिन इस लड़के की मृत्यु निश्चित है। तो फिर भी बच गया। तो राजा भी सोचने लगा कि ये तो राज ज्योतिषी गलत भी नहीं है ज्योतिष भी गलत नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ तो भी ऐसा सिद्धांत काम कर रहा है कि जिसकी वजह से ये सब अनहोनी घटना घटी हुई। तो उन्होंने अपने जो गुरु महाराज थे उन गुरु महाराज को उन्होंने आमंत्रण भेजा और उनको अपने यहाँ बुलाए अपने महल के अंदर और गुरु महाराज को पूरे पूरी हकीकत बताई कि ऐसे राज ज्योतिषी ने पत्रिका देखी लड़के की शादी हो गई लेकिन इसकी मृत्यु ना हुई लेकिन दोनों जन सही तरह से आ गए। तो गुरुदेव मुझे ये जानने की इच्छा है कि इसके लिए क्या इफेक्ट है ज्योतिष गलत है या इनका जो प्रिडिक्शन है जो फलादेश है वो गलत है। तो राज्य के जो गुरु थे उन्होंने ध्यान के अंदर बैठे रहे और ध्यान के अंदर बैठे और उनको पूरी रात की जो घटना उनकी आंखों के सामने आ गई। तो उन्होंने कहा कि इसका जो उत्तर है तो ये इनकी जो पुत्रवधू है वही आपको दे पाएगी ना मैं दे पाऊंगा और ना ये राज ज्योतिष दे पाएंगे। तो उन्होंने पुत्रवधू को अपने राजा के महल में बुलाए दोनों जन उनका लड़का और पुत्र दोनों जन राजा के दरबार में हुए हाजिर हुए और जैसे ही उनके गुरु ने कहा कि पुत्री तुम जो रात को तुम्हारे साथ जो घटना हुई वो सारी घटना का मैं ब्यौरा तुम्हारे से तुम्हारे मुख से जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैंने हम लोग बातचीत कर रहे थे उस वक्त किसी स्त्री का रोने का आवाज़ आया वो स्त्री को महल के अंदर लेके आए उनकी सारवार की उनकी प्रसूति कराई उनको खाना दिया भोजन दिया वस्त्र दिया अन्न दिया रहने के लिए स्थान दिया और इतना सब सेवा करते करते जैसे सवेरे होने लगा तो मुझे अचानक ध्यान आया कि आज तो मेरी सुहागरात है तो मैं जल्दी जाने के लिए मैं वो स्त्री को पैर पड़ी तो उस वक्त स्त्री ने मुझे सौभाग्यवती करके आशीर्वाद दिए। तो जो गुरु महाराज थे उन्होंने कहा कि हे राजन ये जो है ये आठ प्रकार के पुण्य एक साथ इनकी पुत्र वधु ने किए हैं तो जिसकी वजह से ये इनका जो पति है और जो राज ज्योतिषी का पुत्र है वो जीवित है तो काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तो महाकाल का। तो उसमें एक ऐसा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का।
तो गुरु महाराज ने कहा कि ज्योतिषी भी गलत नहीं है और ज्योतिष ने जो भविष्य कथन किया है वो भी गलत नहीं है, लेकिन कर्म का जो सिद्धांत है कि अगर गलती से कोई पुण्य कर लेता है गलती से क्योंकि जानबूझ के तो सभी करते हैं लेकिन गलती से कर लेता है कोई, तो अब कहते हैं ना कि हम कहीं भी जाते हैं तो अचानक कुछ ऐसी घटना होती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमारे वडिलों ने कुछ अच्छा पुण्य किया होगा कि जिसकी वजह से हम बच गए। तो राजा के गुरु ने वही बात उनसे कही कि इनसे एक ही रात के अंदर 8 प्रकार के पुण्य हुए और 8 प्रकार के पुण्य की वजह से यमराज को ना कि इसके लड़के को लेने के बजाय जो काल बन के आया था उसको ही लेके जाना पड़ा। तो जैसे उनको आशीर्वाद मिले तो उस वक्त खिड़की बंद हुई हवा की वजह से, तो नाक कट के आधा खिड़की में लटक गया और आधा अंदर आ गया। तो इस तरह हम जो भी उपाय बताते हैं या जो रेमेडीज़ बताते हैं तो ये रेमेडीज़ ना तो किसी ज्योतिष की भलाई के लिए बताते हैं और ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बताते हैं। हमने जैसे बताया आपको कि ना राजू ज्योतिषी गलत था ना ज्योतिष गलत था, सभी जन सही थे, लेकिन इसके पीछे जो काम करने वाली जो शक्ति थी वो कर्म का सिद्धांत था। तो इस तरह से ज्योतिष किसी का भविष्य नहीं बदल सकता है, लेकिन ज्योतिष के अंदर जो उपाय बताए जाते हैं वो आप जो कर्म करते हैं और वो कर्म के माध्यम से आप अपनी खुद की तरक्की भी कर सकते हैं और आने वाले खतरे से आप सावधान भी रख सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में खाई आ रही है और उसके ऊपर अगर आपकी इच्छा है खाई के अंदर गिरना तो आप गिर सकते हो, लेकिन आपकी प्रबल इच्छा है तो उसके ऊपर आप रास्ता बना के आगे निकल सकते हो। तो हम जो राशियों के अंदर आखिर के अंदर आपको जो हर उपाय बता रहे थे ये ना तो किसी ज्योतिष के अंगत स्वार्थ के लिए हम उपाय बता रहे हैं और ना कोई ज्योतिषी की आमदनी बढ़े इसके लिए हम उपाय बता रहे हैं। ये जो उपाय बता रहे हैं ये आपके खुद के लिए उपाय बता रहे हैं कि जो आप वो उपाय करेंगे तो जिस उपाय की वजह से आप आगे और आगे बढ़ोतरी कर पाएंगे और आगे आगे उन्नति की तरफ आप जा पाएंगे। तो इस तरह जो ज्योतिष है वो मार्गदर्शक बन के आपको काम आएगा, लेकिन ज्योतिष के साथ जो रेमेडी है वो कर्म सिद्धांत के हिसाब से आपको फल प्रदान करने वाली प्राप्त होने वाली है। तो इसी तरह से हम जो रेमेडीज बता रहे थे उसका भी रीज़न यही था और गुरु महाराज ने भी उन्हें यही कहा कि ज्योतिष गलत नहीं है लेकिन ज्योतिष के जो सिद्धांत है उनको कहीं ना कहीं हम हमारी प्रबल शक्ति और हमारे कर्म के इच्छा अनुसार हम उसको बदली कर सकते हैं। तो उसके लिए गलती से मैंने आपको बताया था कि गलती से हम अगर कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से हमें भविष्य के अंदर, उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने किसी को रोटी खिला दी तो हमें तो पता नहीं कि हमें रोटी खिला दी तो हमें क्या उसका बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन कुछ ऐसे बुरे वक्त आते तो उस वक्त हमें वो चीज़ सफलता दिलाती है और उस वक्त वो हमें दुआएं वगैरह काम आती है। तो इस तरह से ज्योतिष गलत नहीं है, 101% ज्योतिष साइंस है, लेकिन एक्यूरेसी के अंदर अगर हम गिनने को जाएंगे तो मेरे हिसाब से 70% ज्योतिष की एक्यूरेसी है और 30% आप जो कर्म करते वो कर्म की एक्यूरेसी है। यस सर, बहुत अच्छे से समझाया सर। और नेक्स्ट मुझे तो बहुत सारे और क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन समय की सीमा है इसलिए हम अभी यहाँ पे रुकेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए तैयारी करेंगे। कैसा रहा सर आपका पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस आज का? सर आज का ऐसा रहा है कि मुझे लगा है कि शायद मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और एग्ज़ाम के लिए मैंने बैठा हूँ एग्ज़ाम के लिए, और आज मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं ज्योतिष बन के बैठा हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मैं एक छोटा सा स्टूडेंट्स बन के बैठा हूँ और मैंने आपको एग्ज़ाम दे रही है। तो ये कोई मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से जो भी मैं आपको संक्षिप्त के अंदर जानकारी दे पा रहा हूँ
तो वो एक मेरे लिए एग्जाम के तौर पे ही मैंने इसको नजरिए से देखा हुआ है। सर आपने टाइम निकाला, एक कोशिश की हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी धन्यवाद कहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपका और आपके चैनल का, जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाए और मुझे आमंत्रण दे के इतने अच्छे सारे विषय की मुझसे जानकारी लेने के लिए, मैं आपका भी धन्यवाद कहूँगा और आपके सारे व्यूअरों, जो व्यूअर्स जो देखेंगे उनको भी मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपकी चैनल सदैव देखते रहें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू।